हेलो एवरीवन वेलकम टू गेट वाला आई होप एवरीवन इज डूइंग ग्रेट सो एक बार जरा बता देंगे यार ऑडियो ऑडियो बढ़िया तरीके से आ रहा है कि नहीं आ रहा है फिर क्लास को हम लोग शुरू करते हैं और गुड इवनिंग भाई सभी लोग जुड़ गए हैं शिव हैं सिद्धार्थ भाविक सुरुचि सभी को गुड इवनिंग सब लोग जुड़ते जा रहे हैं चलो भाई शुरू करते हैं क्लास को हम लोग कल हम लोगों ने कैनाल डिज़ाइन पढ़ा था आज इसी को हम लोग कंटिन्यू करेंगे और बढ़िया से आगे बढ़ेंगे ठीक है कल तक हम लोग ने क्या खत्म कर लिया एक बार बात कर लेते हैं थोड़ा सा कल बेसिकली हम लोग ने पहले कवर किया है कैनाल का पूरा क्लासिफिकेशन वगैरह ठीक है कैनाल का पूरा क्लासिफिकेशन हम लोग अच्छे से कवर किया है उसके बाद क्रॉस सेक्शन में कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं हमने बात करती फ्री बोर्ड है ना चलो ऐसे रिवाइज़ करते हैं देख लेते हैं आज हम लोग को कैनेडी थ्योरी लेसी थ्योरी ये सब शुरू करना है बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत ज़रूरी ठीक है इसको हम लोग अच्छे से ख़त्म करेंगे ठीक ये समझ लो बल्कि तुम्हारा स्टार टॉपिक है ठीक है ये सब तुम्हारे गेट में पूछे जा सकते हैं बढ़िया तरीके से चलिए तो कल हम लोग ने बात करी थी क्लासिफिकेशन समझा था परमानेंट कैनाल इनन्डेशन कैनाल जिसमें सोर्स ऑफ सप्लाई परमानेंट है, है यहाँ पे यहाँ पे परमानेंट नहीं थी यहाँ पे जब बाढ़ आती है तभी पानी मिलता था ठीक है फिर फीडर कैरियर कैनाल देखा था हम लोग ने जिसमें सर आपने बताया था कि फीडर कैनाल सिर्फ फीड करता है डायरेक्ट इरीगेशन नहीं करता है कैरियर कैनाल हमारा इरीगेशन भी करता है डायरेक्टली ये बात की थी हम लोग ने कल उसके बाद प्रोडक्टिव और प्रोटेक्टिव थे जो रेवेन्यू दे पाए वो प्रोडक्टिव और जो रेवेन्यू नहीं दे रहे हैं जो ऐसे ही बने हुए हैं जिनसे रेवेन्यू नहीं आ पा रहा है वो हमारा प्रोटेक्टिव कैनाल था ठीक है ये बात की थी हम लोग ने उसके बाद हमने बात करी थी तुम्हारी अलाइनमेंट के बेसिस पे तीन थे अपने जो रिज पे था वो रिज कैनाल जो कॉन्ट्रो पे था कॉन्ट्रो कैनाल और जो साइड स्लोप्स के कैलोंग था वो हमारा साइड स्लोप कैनाल सबसे बढ़िया रिज कैनाल था क्योंकि इसका जो कमांड एरिया था वो सबसे ज़्यादा था ठीक है याद आ रहा होगा सभी को गुड इवनिंग बेटा बढ़िया तरीके से सुनते चलो यहाँ पे फिर साइड स्लोप सर हमारा कौनटूर के परपेंडिकुलर होता है ये बात याद रखनी बहुत जरूरी है बहुत एग्जाम में पूछा गया है ये ठीक है कि कौनटूर कैनाल और साइड स्लोप परपेंडिकुलर अलाइंड होते हैं ठीक है तो ये जो साइड स्लोप है सर ये कॉन्टूर्स के परपेंडिकुलर होगा ये बात याद रखेंगे सबसे ज़्यादा क्रॉस ड्रेनेज वर्क कहाँ पे होंगे कौनटूर में क्योंकि वो सारे ड्रेन्स को कट करता है और कॉस्ट बढ़ जाती है ठीक है फिर मेन कैनाल ब्रांच कैनाल मेजर डिस्ट्रीब्यूटरी माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी और ये हमारी रिलेटिव इंपॉर्टेंस है डिस्चार्ज सबसे मेन कैनाल में होगा ठीक है और हमारा एलुवियल कैनाल्स नॉन एलवियल कैनाल सर मिट्टी में फ्लो करते हैं ये रिजिड बाउंड्री जब हो जाती है तो हमारे नॉन एलवियल बोलते हैं लाइंड और लाइंड उसी कॉन्सेप्ट हमारा ये है टाइप ऑफ लाइनिंग वगैरह फिर हमने क्रॉस सेक्शन डिस्कस किया था एक एक के बारे में बात करी हमने तुमको बताया था साइड स्लोप्स कितनी कितनी रखते हैं बर्म्स क्या है ठीक है बर्म से एक्चुअली सर बैंक्स को प्रोटेक्शन मिलती बहुत ज़्यादा ये बात हुई थी उसके बाद फ्री बोर्ड कितनी जगह ऊपर छोड़ी जाती है तो ये डिपेंड करता है सर डिस्चार्ज कितना है ज़्यादा डिस्चार्ज होगा तो ज़्यादा जगह छोड़नी पड़ेगी ऊपर से ठीक है फिर डोलास थे हमारे डोला बोलते हैं डौला सर क्या था आपका सेफ्टी मिल जाती है ड्राइविंग में और दूसरी चीज सर्विस रोड थी सर्विस रोड क्या करती है हम लोग इंस्पेक्शन करते हैं कैनाल का तो सर्विस रोड हेल्प करती है हमारी स्पॉयल बैंक में सर मिट्टी हम लोग रख देते हैं बैंक हमारे सर किनारे हैं जो पानी को रोकते हैं अपने अंदर ठीक है खूब सारी मिट्टी हम लोग साइड में लग लगाते हैं जो पानी को रोकते हैं उसको हम लोग बैंक बोलते हैं ठीक है काउंटर बर्म सर पीछे की साइड हम लोग मिट्टी देते हैं पीछे की साइड जो मिट्टी दी जाती ताकि जो हमारी हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन है वो बाहर ना आ जाए इसको हम लोग बोलते थे काउंटर बम फिर आपने सर्विस रोड बता दिया था बोरोपेट कहीं से मिट्टी लेके आनी तो हमारा बोपेट हो जाएगा ठीक है फिर कुछ क्वेश्चन वगैरह देखे थे फिर आपने सर मैकेनिज्म ऑफ सेडिमेंट ट्रांसपोर्ट होना शुरू किया था आपने बताया था लोड दो प्रकार के हमारे एक तो बेड लोड था ठीक है और दूसरा हमारा सस्पेंडेड लोड था उसके असर आपने ये बेड फॉर्मेशन बताया था सबसे पहले हमारा रिपल पहले तो प्लेन बैटर रहता है वेलोसिटी और बढ़ती पाने की तो ये मिट्टी हिलने लगती है रिपल पैटर्न बनता है फिर ड्यून्स बनते हैं ड्यून्स वॉश आउट हो जाते हैं फिर प्लेन हो जाता है फिर हमारे एंटी ड्यून्स बनते हैं ठीक है जब वेलोसिटी बहुत ज़्यादा चली जाती है तो ये सब कहानी पूरी यहाँ लिखी हुई थी फिर आपने हमको फॉर्मूले बता दिए कि टाउन आउट टाउसी और टाउन आउट डैश और टाउसी डैश का फार्मूला क्या था हमने तुमको बताया था कि सेफ्टी चाहिए अगर हमको <coughs> सर आपने ओवरऑल ये बताया हमको कि शील्ड ने बहुत सारा एक्सपेरिमेंट वगैरह करा और यहाँ पे एफ एन को बराबर करके उसने टाउसी का फॉर्मला डेवलप कर दिया इन शॉर्ट ठीक है लेकिन ये उसने तब डेवलप किया जब रेनॉल नंबर चार सौ से ज्यादा है और हमारा पार्टिकल डायमीटर सिक्स सेवन से बड़ा है तो ये वैल्यू जीरो पॉइंट जीरो फाइव सिक्स कॉन्सेंट जाती है टाउसी का फॉर्मला था जीरो पॉइंट जीरो फाइव सिक्स टू डी माइनस वन और टाउनऑट लेसन टाउसी होगा तुम्हारा बेड सेफ रहेगा बहुत इंपॉर्ट बात है कमेंट कर दो बेटा जल्दी से आला ये चीज़ कमेंट कर देंगे कि हमारा बेड का बेड पे बे जो पानी शेयर स्ट्रेस लगा रहा है वो कम होना चाहिए और जो क्रिटिकल शेयर स्ट्रेस है पार्टिकल द्वारा वो ज़्यादा होनी चाहिए तो हमारा बेड बचा रहेगा सिमिलरली इस तरह से हमने बात करी थी फिर इसी को थोड़ा सॉल्व करा हमने तो हमको मिला था डी ग्रेटर लेवन आर एस तुमसे एग्जाम पूछ सकता है कि मिनिमम पार्टिकल डायमीटर हम लोग कितना रखें तो ये तुमसे पूछा सकता है ठीक है कम से कम हमारा इतना डायमीटर होना चाहिए सीधे सीधे आप पता यही ना तो हमारा ऑब्जेक्टिव बन जाएमसी क्यू में डायरेक्टली ये भी हो सकता है ठीक है गुड इवनिंग यार सभी को चलो बालक लोग जुड़ते जा रहे हैं याद होगा ये स्टिकुलर फॉर्मला है एन हमारा क्या निकलता है वन बाय ट्वेंटी फोर डी पा और वन बाय सिक्स डी हमारा क्या है डायमीटर ऑफ पार्टिकल मीटर के अंदर ठीक है एन हमारा क्या मैनिंग रेगोसिटी कोफिशेंट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट थी इसको याद रखो अच्छे से ठीक है फिर फॉर अनप्रोटेक्टेड साइड स्लोप्स सर साइड स्लोप की सेफ्टी चाहिए तो साइड स्लोप पे सर आप शेयर स्ट्रेस पानी द्वारा जो लग रहा है उसको कम कर दीजिए और जो क्रिटिकल शेयर स्ट्रेस लग रहा है पार्टिकल्स द्वारा वो बढ़ा दीजिए तो बच जाएगा साइड में भी ठीक है टाउसी डैश का फॉर्मला यहाँ लिखा हुआ है फाइव थी थीटा आपका एक्चुअल एंगल है फाइव हमारा एंगल ऑफ रिपोज है जो कि इसको हम लोग मैक्सिमम एंगल बोलते हैं उस साथ एंगल रखेंगे तो दिक्कत होगी ठीक है फिर ट्रेपेसॉडल का सेक्शन था इसमें हमने तुमको सब बता दिया था कि एरिया ये है पेरीमीर ये है सब कुछ समझा दिया था आई होप की याद होगा सबको ये एरिया पेरीमीटर बेटा भूल मच जाना गलती से ठीक है एक बार कमेंट में लिख भी तो चाहो तो लिख दो कोई दिक्कत नहीं है देखिए है ना सर सिंपल सी बात है कोई दिक्कत नहीं लिख देंगे पेरीमीटर एरिया जरा एक बार कमेंट बॉक्स में लिख देंगे बाकी एस हमारा क्या होता है एस तभी निकलता है जब वन वर्टिकल होता है और तब जो हॉर्जेंटल कोफिशियंट होता है उसको हम लोग एस बोलेंगे स्मॉल स्मॉलेस्ट ठीक है ये कैपिटल एस नहीं है ये बेड स्लोप नहीं है बेड स्लोप की बात नहीं कर रहे हैं स्मॉल स्मॉलेस्ट है फिर एक क्वेश्चन किया था इसके अंदर सर आपने फिर दोनों कंडीशन से आर सॉल्व किया था दोनों में जो आर मिनिमम आया था उस हिसाब से फिर आपने डेप्थ निकाली फिर डेप्थ के बाद आपने एरिया निकाला फिर एरिया इनटू वेलोसिटी करके आपको मैक्सिमम डिस्चार्ज मिल गया कि अगर आप ये डिस्चार्ज रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी ठीक है तो इस तरीके से हमने कैनाल को डिजाइन करना शुरू किया जिसके अंदर हमने देखा था कि जो भी पार्टिकल डायमीटर वहाँ पे होगा उस पार्टिकल डायमीटर के हिसाब से हम लोग अपने चैनल के एरिया को ऐसा करेंगे सर ठीक है जो भी पार्टिकल डायमीटर वहाँ पे होगा उस हिसाब से हम अपने चैनल के एरिया को ऐसा करेंगे उसकी डेप्थ विर्थ ऐसी करेंगे सर कि उसमें बेड्स और साइड्स के पार्टिकल स्कावर ना हो बात समझे क्लियर हुई बात ये सबको क्लियर है ये बात बहुत जरूरी थी यहाँ तक उनको लगता है कि सभी लोग को बात समझ में आ गई होगी ठीक है और तो ठंड और ठंड मंडे कैसी चल रही है उसके बाद तो हम लोग शुरू करेंगे कैनेडी थ्योरी बहुत जबरदस्त थ्योरी है ये सब समझ में आएगा तुमको ठंड का माहौल क्या चल रहा है तुम लोग के यहाँ ठीक है कुछ लोग यहाँ पे एम के बच्चे हैं हमको पता है कुछ एम के बालक लोग हैं और कुछ हैं यहाँ पे एक हाथ यूपी के भी थे हैं बताओ भाई ठंड का क्या माहौल है यहाँ तो जबरदस्त ठंड होना शुरू हो गई है टेम्परेचर जो है दो तीन दिन से गिरना शुरू हो गया है काफी हो गई है पढ़ते रहो लेकिन ठीक है ठंड में देखो बिस्तर में एकदम ना घुसना एक तो नींद बहुत आती है ना तो कोशिश करो कि टेबल चेयर पे ही रहो ठीक है बढ़िया से पढ़ने की कोशिश करो चलिए सर वापस आते हैं हम लोग अब हम लोग बात करेंगे आज कैनेडी और लेसी की थ्योरी देखो भाई ऐसा है हेडिंग क्या है डिजाइन ऑफ स्टेबल चैनल्स इन इंडिया बहुत कमाल की चीज सुनना शुरू करो हमने तुमको कल बताया था कि मिट्टी में पानी को फ्लो कराया जाता है लेकिन मिट्टी का शेप कुछ ऐसा अगर कर दें जिससे पानी जब फ्लो करे तो वहां पे चेंजेस ना हो सर मिट्टी है पानी फ्लो हो रहा है अगर हम उसमें ऐसी कुछ शेप दे दें जिससे सर उसका स्कावरिंग ना हो तो मजा सा आ जाए यही चीज करने के लिए दो लोग थे जिन्होंने बहुत दिमाग लगाया तो इंडिया की अगर बात करें तो एलुवेल कैनाल्स मेनली डिजाइन होती हैं इन दो लोगों की थ्योरी पर ठीक है इन दो की थ्योरी को समझने से पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ पे रजीम कंडीशन क्या होती है फिर आगे बढ़ेंगे इनकी थ्योरियों को समझाएंगे हम लेकिन मेनली उद्देश्य क्या है सभी लोग ध्यान सुनना अनलाइंड कैनाल मिट्टी वाले कैनाल को स्टेबल करना है स्टेबल मतलब उनकी जो बाउंड्रीज हैं ठीक है चाहे बेड हो चाहे साइड लो वो स्काउर ऑफ ना हो ये कोशिश है ठीक है तो इसी को बोलते हैं डिजाइन ऑफ स्टेबल चैनल्स लेकिन हम किन को स्टेबल करना चाहते हैं कमेंट करके बताओ हम स्टेबल करना चाहते हैं अनलाइंड कैनल को जो कि मिट्टी में फ्लो कर रहा है जो लाइन कैनल हमें उससे मतलब नहीं है तो इसके लिए एक साइंटिस्ट थे कैनेडी और दूसरे थे लेसी इन दोनों की थ्योरी को पढ़ेंगे कैसे डिजाइन होता है वो तुमको बताएंगे ठीक है सही है बढ़िया चलो भाई हाँ बिल्कुल यस अक्षय इसका आंसर येस है ठीक है चलो पहले समझेंगे रेजीम कंडीशन देखो रेजीम कंडीशन का मतलब ये होता है कि जब हमारे कैनाल की जितनी भी कंडीशन हैं वो सब एकदम कॉन्स्टेंट हो जाए मतलब सर उसमें ना डिस्चार्ज चेंज हो रही है यहाँ लिखा देखो बगल में ऐसे सर उसकी जो विथ है वो चेंज नहीं हो रही है उसकी जो डेप्थ है वो चेंज नहीं हो रही उसकी जो बेड स्लोप है वो भी चेंज नहीं हो रही उसके अंदर जो सिल्ट पानी में है जिसको हम सिल्ट चार्ज ही बोलते हैं अरे यार पानी में मिट्टी भी तो होगी होगी कि नहीं होगी होगी सर उसे बोलते हैं सिल्ट चार्ज तो वो भी कॉन्स्टेंट ठीक है सिल्ट ग्रेड मतलब मिट्टी का जो टाइप एंड साइज है बोल सकते हो वो भी कॉन्स्टेंट सब कॉन्स्टेंट है सर डिस्चार्ज बी डी एस सिल्ट चार्ज सिल्ट ग्रेड सब कॉन्सटेंट है तो हम बोलेंगे सर बड़ा गजब चैनल है सर सर ये तो बड़ा स्टेबल है हैं बड़ा स्टेबल है सर ये तो बहुत जबरदस्त स्टेबल हो रहा है तो इसी को बोलते हैं रेजीव कंडीशन ठीक है तो रेजिम कंडीशन का मतलब हमारा डिस्चार्ज सिल्ट ग्रेड सिल्ट चार्ज सब कुछ क्या हो जा रहा है कॉन्सटेंट हो जा रहा है ठीक है और एक चीज़ और हम यहाँ पे ये यह मानते हैं कि हमारी जो मिट्टी है वो नॉन चिपकेबल है कल बताई थी

ट्रांसपोर्टेड बाय ऑफ द सेम करेक्टर एज दैट ट्रांसपोर्टेड बाय द चैनल ठीक है मतलब कुल मिला के जो मिट्टी है सर उसका करेक्टर सेम रहने वाला है ठीक है वो जब आगे फ्लो करेगी तो उसका करेक्टर चेंज नहीं होगा वो क्वेश्चन लेस रहेगी ठीक है जितनी आराम से सर वो ऑफ होती है उतनी आराम से वो सेटल भी हो सकती है ठीक है ऐसा नहीं होगा कि पार्टिकल चिपके हुए हैं तो उसको उठाने में दिक्कत ज़्यादा हो रही है नहीं वो एकदम सेम कैरेक्टर की रहने वाली है चाहे उसको आप स्काउरिंग करिए चाहे उसकी सिल्टिंग करिए ये कहने का मतलब है तब हम बोलेंगे चैनल हमारे रेजीम कंडीशन में ये कुछ आइडियलिस्टिक बातें हैं ठीक है थीके? कुछ आदमशन हैं जो उनको समझने पड़ेंगे ठीक है तो सर हमारी पूरी कोशिश ये है कि मैं एज एन इंजीनियर चाहता हूँ कि मेरा कैनाल रजीम में आ जाए ऑब्वियसली हम ये चाहेंगे ठीक है तभी तो हमारा चैनल कैसा हो जाएगा स्टेबल तो रजीम चैनल का मतलब ये हो गया सर एक ऐसा चैनल जहाँ पे सर सब कुछ कांस्टेंट सा हो गया है ना मिट्टी स्काउरिंग कर रही है ना सिल्टिंग हो रही है अच्छा बताओ अगर मिट्टी स्कावर नहीं करेगी और जो मिट्टी पानी के अंदर ऑलरेडी है और अगर बैठेगी नहीं तो बताओ क्या हमारे क्रॉस सेक्शन का जो शेप है वो चेंज होगा अगर स्कावरिंग नहीं हो रही सिल्टिंग नहीं हो रही मिट्टी बैठ नहीं रही तो बताओ क्या क्रॉस सेक्शन चेंज होगा कि नहीं होगा बताओ कमेंट करो यार कमेंट करो क्या हमारा क्रॉस सेक्शन चेंज होगा कि नहीं होगा जल्दी बताओ ये सब बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं होगा कि नहीं होगा अच्छा नहीं होगा है ना और यही तो हम चाहते हैं बिल्कुल बढ़िया यही हम चाहते हैं ना बिल्कुल सही नो सर तुम तो लोग बोल रहे हो तो इसी को बोलते हैं रजीम चैनल इस तरह के चैनल को बोलते हैं रजीम चैनल देखो लिखा हुआ ये लाइन याद करनी है इफ देयर इज नो नीड टू वरी अबाउट सिल्टिंग एंड स्कवरिंग वाह सर क्या बात करिए आपने है ना हमको इसकी चिंता ही नहीं है तो हम इसको बोलेंगे कि ये आपका जो दिस स्टेट इज पॉसिबल इन आर्टिफिशियल चैनल हाँ तो ये आपका रजीम चैनल कहलाएगा ठीक है जो भी आर्टिफिशियल चैनल हम लोग बनाते हैं उसको हम लोग रजीम चैनल बनाने की कोशिश करेंगे बन नहीं बन पाया तो अलग बात है लेकिन कोशिश सर हम पूरी करेंगे कोशिश हम पूरी करेंगे तो कोशिश में पहला नाम था कैनेडी का इनके बारे में थोड़ा जानते हैं बहुत कमाल के आदमी थे थी थी। ये ठीक है जब बंटवारा नहीं हुआ था बंटवारा मतलब इंडिया पाकिस्तान का पार्टीशन हो गया तुमको शायद पता हो नाइनटीन फोर्टी सेवन अलग, -अलग हो गए थे वो चले गए इधर ये इधर आ गए बहुत सारा बवाल हुआ था उस समय हम लोग को नहीं जाना उसके पहले की बात है अठारह की बात यहाँ लिखा हुआ है अट्ठारह सौ पंचानवे बहुत कमाल की बात सुनो जरा तो पंजाब में तब पंजाब बहुत बड़ा मतलब अभी पंजाब क्या है लैंड ऑफ फाइव रिवर्स है है ना ये पता होगा तुमको तो पंजाब का कुछ हिस्सा पाकिस्तान में है कुछ हिस्सा इंडिया में है ठीक है पहले पंजाब बहुत ज़बरदस्त जगह थे और अभी भी है मतलब ऐसा कुछ नहीं है वहाँ पर बहुत उपजाऊ ज़मीन है बहुत खेती होती है तुमको पता होगा ठीक तो पंजाब की कमाल की चीज़ थी और वहाँ पर कैनेडी साहब थे पोस्टेड ठीक है उनकी वहाँ पर पोस्टिंग थी और वो बढ़िया से जॉब करते थे अपनी बढ़िया ठीक है ऑफिसर आदमी थे तो उन्होंने क्या करा एक वहाँ पे तुमने पढ़ा है ना कौन कौन सी नदियाँ पंजाब में है ना सतलुज छलम छेनाब है ना इंडस में सब जाके जुड़ती हैं सब तुमने पढ़ रखा होगा सुना जरूर होगा एटलीस्ट तो वहाँ पे एक कैनाल सिस्टम की उन्होंने स्टडी करी अपर बड़ी दोआब कैनाल सिस्टम ठीक है अंग्रेज लोग जब आए थे तो उन्होंने जो सबसे पहली कैनाल बनाई थी वो थी अपर गंगा कैनाल जो एटीन से बनना शुरू हुई थी अट्ठारह में पहली कैनाल उन्होंने बनाने शुरू की थी अंग्रेज़ लोग ने ठीक है ब्रिटिश की हुकूमत थी सबको पता है बात उसके कुछ टाइम बाद फिर उनको समझ में आया कि भाई मजा ही मजा कैनाल बनते ही सर लकड़ी का ट्रांसपोर्ट बहुत आसान हो गया था तुमको अपने बात कई बार बताई है तो उन्होंने और कैनल बनाना शुरू करे ठीक है तो और है। एक कैनाल था अपर बड़ी दुआब कैनाल ठीक है ये अपर वर्ड का मतलब तुम समझ लो नदी से जब कोई कैनाल निकलता है तो जो उसकी स्टार्टिंग की रीच होती है भाई मान लो नदी से कैनाल निकला तो जीरो से लेके मान लो सौ दो सौ तीन सौ किलोमीटर तक उसको अपर रीजन बोलेंगे फिर वो तीन सौ किलोमीटर के बाद नीचे चला जाएगा एक्जाम्पल ले रहे हैं तो उसको लोअर रीजन बोलेंगे ठीक है तो अपर रीजन मतलब नदी के से निकलता हुआ मेन कैनाल जो निकल रहा है वो अपर रीजन हो गया वो क्या हो गया हमारा अपर रीजन ठीक है तो अपर का मतलब यहाँ पे अपर बड़ी दोआब कैनाल सिस्टम लिखा है ठीक है दो आब मतलब एक ऐसी जगह जो दो नदियों के बीच में है ठीक अपर बड़ी दो आब कैनाल सिस्टम मतलब जो हमारी नदी है जैसे हमने बोला अपर गंगा कैनाल तो अपर गंगा कैनाल ऑब्वियसली गंगा से डायरेक्टली निकला है अपर गंगा कैनाल सिस्टम उन्हें बोला यू बहुत कॉमन टर्म है यू चलता था उस समय सब यू जी सी यू सी बोलते थे ठीक है इसी वजह से आई टी टुड़की बना है तुमको शायद पता होगा ठीक है आई टी टुड़की का पूरा डेवलपमेंट उस कैनाल के चक्कर में ही हुआ है ठीक है वहीं पे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का ऑफिस हुआ करता था उस जमाने में ठीक है तो चलो इन सब पे नहीं जाना इन शॉर्ट कैनाल सिस्टम उस समय सर अट्ठारह के बाद से थोड़ा सा तेजी पकड़ी ठीक है कॉटले एक साइंटिस्ट और एक ऑफिसर हुआ करते थे जिन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से एक्सटेंसिव रिसर्च करके उन्होंने बार बार प्रयास किए और बहुत सारे कैनाल सिस्टम्स बनाने की शुरुआत करी पहला वो बना फिर बाद में ये बना तो यहाँ पे कैनेडी भी पोस्टेड थे ये भी ये भी एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर थे पंजाब पी में ठीक है अच्छा एक्चुअली क्या है पहले सिर्फ पी हुआ करता था पहले सिर्फ पी हुआ करता था पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट उसमें सारे वर्क हुआ करते थे बाद में जैसे जैसे जनता बढ़ती गई पॉपुलेशन बढ़ती गई तो पी टूटा पी सिर्फ वो पहुँच गया रोड बनाने में ठीक है पी का मेन काम है रोड बनाओ अब फिर सिंचाई भाग अलग कर दिया गया उसका काम इरिगेशन का और ये डैम वियर बराज वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट गया अलग हो गया पूरा है ना फिर इस तरह से डिपार्टमेंट टूटते चले गए पहले अकेला डिपार्टमेंट वो करता था तो कैनेडी जो है तो मत होना कि पीडब्ल्यू वाले कैसे पानी का, का काम कर रहे हैं पीडब्ल्यू तो रोड का काम करते हैं ये शायद तुमको पता हो बहुत लोग पीडब्ल्यू में जाने की इच्छा भी रखते होंगे है ना काफी ये काफी बड़ी चीज है ना लेसी चीफ इंजीनियर थे हाँ अच्छा नहीं चीफ इंजीनियर बने होंगे बाद में लेकिन पहले वो ठीक है पहले जब उन्होंने काम किया था लेसी ने तब वो चीफ इंजीनियर नहीं थे ठीक है ये तब की बात है जब वो अब ऑब्वियसली कैनेडी जब प्रमोट हुआ होंगे तो आ, आगे और भी कुछ बन गए होंगे लेकिन जब उन्होंने ये काम किया तब वो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर थे तो अट्ठारह सौ पंचानवे की बात है तब एग्जीक्यूटिव इंजीनियर थे और उन्होंने पंजाब वाले रीजन में अपर बड़ी दुआब कैनाल सिस्टम में एक सीधा पोर्शन पकड़ा देखो जनरली कैनाल सीधी ही जाती हैं ये बात शायद तुमको पता हो जनरली कैनाल हमारी नदी होती है जो नाचती नाचती जाती हैं ना कैनाल हमारी स्टेट चलती है तो उन्होंने एक स्ट्रेट पोर्शन लिया एक किलोमीटर का लगभग ठीक है और वहाँ पे उन्होंने स्टडी करना शुरू किया अब क्या स्टडी किया वो हम बताते तुमको ठीक है तो उन्होंने बहुत सारी स्टडी करी ठीक है उन्होंने कई सारी स्टडी करी कई सारे पॉइंट्स यहाँ बताए हैं वो यहाँ लिखे हुए हैं ठीक है तो उन्होंने ये कंक्लूड किया सबसे पहले कि जो हमारा कैनाल है उसके अंदर जो सिल्ट है उस सिल्ट को फोर्स कहाँ से मिला वो सिल्ट अंदर नाच क्यों रही है सर वो सिल्ट अंदर कैसे तैरती जा रही है नीचे क्यों नहीं बैठ रही है तो उन्होंने बताया कि सबसे पहला इसका कारण यह है कि जब पानी सरफेस पे रगड़ता है जब पानी हमारे नीचे कैनाल है उस पर जब बहुत ज़ोर से फ्रिक्शन लगाता है तो उस फ्रिक्शन से एडीज जनरेट होती हैं भंवर जनरेट होती हैं और वो जो टर्बुलेंस जनरेट होती है एक तरह से उससे हमारे सिल्ट को सपोर्ट मिलता है तो सिल्ट सपोर्टिंग पावर जो कैनाल में आ रही है वो इसलिए आ पा रही है क्योंकि हमारा वाटर रगड़ रहा है फ्रिक्शन Uh, की वजह से वहाँ पर टर्बुलेंस जनरेट हो रही है जिसकी वजह से हमारी सिल्ट सपोर्टिंग पावर कैनाल में आ रही है तभी सिल्ट आपकी तैरती रहेगी ऑब्जर्वेशन देखो भाई भाई की जबरदस्त सिस्टम है तो ऑन द बेसिस ऑब्जर्वेशन ही कंक्लूडेड सिल्ट सपोर्टिंग पावर ऑफ क्रास क्रॉस सेक्शन वॉज डिपेंडेंट ऑन जनरेशन ऑफ एडीज राइजिंग टू द सर्फेस तो जो एडीज तुम यहाँ देख सकते हो मैंने डायग्राम बनाने की कोशिश करी है दिख रहा होगा तो ये जो पार्टिकल है नन्ना मुन्ना पार्टिकल ये नन्ना मुन्ना पार्टिकल जा रहा कह रहा हम नीचे जाएंगे हम हम वजनी है हमारे पास वजन है वेट होल्ड करते हैं तो नीचे जाएंगे लेकिन नीचे से फोर्स लगा कौन सा एडीज का तो एडीज ऊपर की तरफ राइज कर रही है तो ये वेट देखो इसका बैलेंस हुआ और इस तरीके से सिल्ड जो है नाचती रहेगी है ना पानी के अंदर ये बात है ये बात समझ में आएगी नहीं हाँ बिल्कुल सही एडीज ट्राई टू मूव द सेडिमेंट्स अप बहुत जबरदस्त सोचा है एकदम ये चित्र बना हुआ है तो यहाँ तुमको समझ में आया होगा ठीक है ये पहला पॉइंट याद रखना है उसके बाद तो देखो ये पूरी कहानी वही लिखी हुई है ये पूरी कहानी वही लिखी है कि वर्टिकल कॉम्पोनेट जो एडीज का होता है वो मूव करने की कोशिश करता है उसको ऊपर और ये सस्पेंडेड रहते हैं ठीक है ये सब सबने भाई बता दी तुमको तो ये इनकी पहली बात हो गई उसके बाद इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया बहुत जबरदस्त इन्होंने एक बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट दिया क्रिटिकल वेलोसिटी का कमेंट करो किसका कमेंट करो किसका कॉन्सेप्ट दिया इन्होंने बताओ इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया किसका जल्दी कमेंट कर दो भाई क्रिटिकल वेलोसिटी का एक ऐसी चमत्कारी वेलोसिटी क्या भाई एक ऐसी चमत्कारी वेलोसिटी हमें ढूंढनी है इन्होंने मिलकर ढूंढ के दिखाई इस कैनाल सिस्टम के लिए लेकिन हाँ सुनो ये जो इन्होंने क्रिटिकल ऑस्ट्री ढूंढी है ये सिर्फ इसी कैनाल सिस्टम के लिए है अभी ठीक है इन्होंने ढूंढी क्रिटिकल ऑस्टि जो है वी नॉट इक्वल टू सी वन इंटू वाई वाई मतलब डेप्थ है की पावर ये दोनों कॉन्स्टेंट है तुम्हारे और कॉन्स्टेंट की वैल्यूज इन्होंने ढूंढी अब क्या होता है ना एक्सपेरिमेंट बार बार करते जाओ इन्होंने एक्सपेरिमेंट बार बार करी है ना बार बार एक्सपेरिमेंट करा बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करे एक्सपेरिमेंट करे और फिर उन्होंने जब रिलेशनशिप डेवलप करी बहुत सारे रिजल्ट के बाद तो उनको इस तरह का कुछ एम्पेरिकल फॉमूला मिला ठीक है तुमने पढ़ा होगा एफ में वो कौन सा डायमेंशनल एनालिसिस करके है ना चैप्टर है उसी हिसाब से उन्होंने फॉर्मला यहाँ बना दिया फिर उन्होंने जब देखा बहुत सारा इनका डेटा तो उससे ने देखा कि कॉन्स्टेंट की जो वैल्यू है पॉइंट फाइव फाइव और पॉइंट सिक्स फोर आ रही है ठीक है सिंपल एकदम एकदम सिंपल ये अपना फॉर्मला हो गया तो ये क्रिटिकल लॉस्टी है लेकिन अपर बड़ी दोआब सिस्टम में ठीक है तुम लोग क्रिटिकल लॉस्टी कमेंट कर भी रहे हो लेकिन सर ये क्रिटिकल लॉस्टी जो आप बता रहे हैं बार बार चिल्ला चिल्ला के जिसका नाम आप चमत्कारी चमत्कारी वेलोसिटी बोल रहे हैं ये है क्या ये हमको बताइए अब ये बहुत ज़रूरी बात है ठीक है सुनना देखो ये क्रिटिकल वॉस्टी ऐसी वेलोसिटी है जिस पे हमारे कैनाल में ना सिल्टिंग होगी ना स्कांग होगी अगर पानी इस वेलोसिटी से चलेगा तो वो इतनी एडीज जनरेट करेगा कि जो सिल्ट पानी में नाच रही है वो नाचती रहेगी ठीक है और ये वेलोसिटी इतनी ज़्यादा भी नहीं है कि नीचे से मिट्टी को उठा दे स्कांग कर दे तो सर मजा ही मजा ना मिट्टी नीचे से स्काउर ऑफ हुई ना मिट्टी नीचे से उठी सर पहली बात और दूसरी चीज़ इसने इतनी जबरदस्त एडी जनरेट करी कि जो सिल्ट अंदर नाच रही थी सर वो नाचती ही रहेगी तो ना सिल्टिंग हुई ना मिट्टी नीचे बैठी ना नीचे से उखड़ी स्काउरिंग भी नहीं हुई इसे बोलते हैं क्रिटिकल लॉस्टी तो हम बोलेंगे क्रिटिकल लॉस्टी इज दैट वॉस्टी या इसको हम ऐसी मीन वोसटी मानेंगे जो इतना सफिशेंट है कि चैनल में ना सिल्टिंग होगी ना स्कांग होगी ना इधर सिल्टिंग नॉर बात लेकिन समस्या यहाँ पे उत्पन्न हुई अब कि ये तो सर अपर बड़ी दुआ सिस्टम का काम है तो भाई कैनाल हमें कहीं और भी तो बनाना पड़ सकता है कि यहीं रट लेंगे भाई कैनाल सिस्टम तो कहीं और भी होगा तो इन्होंने इस फॉर्मूले को थोड़ा सा ट्विस्ट करा इन्होंने इस फॉर्मूले में क्या करा एक एक इन्होंने क्रिटिकल लॉस की रेशियो बताया इसकी जरूरत इससे पड़ी क्योंकि इनको ये काम ये फॉर्मूला अदर कैनाल्स में भी देना था ठीक है अब भाई बात यह है कि अपर बड़ी दुआ कैनाल सिस्टम में जो मिट्टी है वो अलग टाइप की है कहीं और कैनाल सिस्टम बनाएंगे तो वहाँ की मिट्टी अलग होगी तो ऑब्वियसली वहाँ की क्रिटी वोसिटी भी अलग होगी क्योंकि हर जगह की मिट्टी अलग है और मिट्टी अलग होगी तो आपका क्रिटिकल वालास भी अलग अलग होगी तो इन्होंने बोला ऐसा है घबराओ मत एक बढ़िया फॉर्मूला दे रहे हैं पहले समझो क्रिटिकल वेलोसिटी रेशियो जिसको बोलते हैं एम एम एक रेशियो है वी अपॉन वी नॉट का वी मतलब क्रिटिकल लॉस्टिक किसी अदर कैनाल में और वी नॉट मतलब क्रिटिकल लॉस्टिक तुम्हारे इसी कैनाल सिस्टम में ये जो जहाँ पे उन्होंने काम किया है ठीक है मतलब क्रिटिकल का रेशियो एक तो अदर कैनाल में जहाँ पे हम निकालना चाहते हैं और ये हमारा क्रिटिकल लॉसिस तुम्हारा ये इसी अपर बड़ी तो आप स्टैंडर्ड कैनाल बोल रहे हैं अपर बड़ी तो आप कैनाल सिस्टम को हम स्टैंडर्ड कैनाल बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पर भाई ने काम किया है भाई ने काम किया है यहाँ पर बहुत सारी मेहनत करी है दीवन दिया है इन्होंने पूरा है ना पाँच पाँच दस दस साल लग जाते हैं सब काम करने में ठीक है तुम भी जब इंजीनियर बनोगे तो सिर्फ वहां पे साइन मत करना सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट कराना ठेकेदारी करना ये सब मत करना ठीक है तुम भी कुछ टेक्निकल नॉलेज कंट्रीब्यूट करना यही इंजीनियर का मेन काम है कुछ नया कुछ नया करना है है ना तो इन्होंने किया था देखो ठीक है तो एम आपका हाँ तो अब हमको बताओ क्रिटिकल लॉस्टी अगर हमें किसी अदर कैनाल सिस्टम में निकालनी तो हम क्या करेंगे जो आपकी अपर बड़ी दो आप केनाल सिस्टम में क्रिटिकल लॉस्टी थी उसको हम एम से इंटू कर देंगे एम फोर एम फोर एम एन वी नोट कर देंगे मतलब इस वैल्यू को हम एम से इंटू कर देंगे तो आपको दूसरे केनाल सिस्टम में मिल जाएगा एम का मतलब बताओ तो हमारे किसी और केनाल सिस्टम में अगर हमको क्रिटिकल लॉसी निकालनी है सर क्रिटिकल लॉसी अगर हम किसी और केनाल सिस्टम में निकालनी है तो हम यहाँ पे उसी वैल्यू को बस एम से इंटू कर देंगे तो एम दिख रहा है अरे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है यार हु? दिख रहा है एम एम का मतलब क्या है जरा कमेंट कर दो यार एम मतलब सर क्रिटिकल वेलोसिटी रेशियो अब एक्चुअली ये जो एम की वैल्यू है डिपेंड करती है सर कि वहाँ की मिट्टी कैसी है दूसरे जगह की है ना अब जैसे मान लीजिए आपकी जो सैंड या सिल्ट है वो जो स्टैंडर्ड मिट्टी थी अपर बड़ी दुआ वाली उससे मोटी है उससे कोर्स है ठीक है तो एम की वैल्यू वन से बड़ी होगी वन से वन पॉइंट टू रहेगी और यही अगर मिट्टी आपकी फाइन है जो अपर बड़ी दुआब वाली मिट्टी उससे फ़ाइन है तो यही एम की वैल्यू पॉइंट वन से वन होगी मतलब वन से कम रहेगी कमेंट करो एम की वैल्यू तो वन से कम कब रहेगी जब फाइन होगी मिट्टी इस कैनाल सिस्टम की ठीक है ज्यादा होगी तो वन से से बड़ी होगी ठीक है क्लियर है बताओ क्लियर बोलते हैं क्रिटिकल ऑसी रेशियो ठीक है तो ये हमारा हो गया सैंड कोर्सर देन स्टैंडर्ड और ये हो गया सैंड स्टैंडर्ड ठीक है तो अपना एम की वैल्यू निकल के आ गई बढ़िया से तो वी नॉट हमारा क्या हो गया पॉइंट फाइव फाइव एम वाई की पावर पॉइंट सिक्स फोर ये फॉर्मला याद करना है सभी लोग एक बार फॉमला जरा कमेंट कर देंगे सभी लोग कमेंट करेंगे तुरंत बहुत इंपॉर्टेंट फॉमला ठीक है तो अगर हम तुमसे पूछते हैं कैनेडी ने कौन सी दो बातें बताई तो एक बात तो यही फॉमला है कमेंट करो कैनेडी ने सर सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट दिया क्रिटिकल लॉस्टी का मजा सा आ गया सर मजा सा आ गया मानो स्टेबल चैनल डिजाइन करने की एक राह नज़र आ गई हो भारत देश में और स्पेशली तुम्हारा जो नॉर्दर्न इंडिया था ठीक है स्पेशली हमारा जो नॉर्दर्न इंडिया था वहाँ पे ठीक है आ, वहाँ पे ये कैनाल सिस्टम के फॉर्मूले जो है बहुत ज़बरदस्त तरीके से काम आए हाँ पॉइंट फाइव फाइव एम वाई की पावर पॉइंट सिक्स फोर वाई मतलब डी मान लो वाई को हम लोग डेप्थ बोलेंगे डी भी लिख सकते हो तुम लोग ठीक है कोई दिक्कत की बात नहीं है तो ये हमारा हो गया क्रिटिकल लॉसी फॉर एनी कैनाल सिस्टम ठीक अब देखो एक बहुत सिंपल चीज़ है सभी लोग यहाँ फोकस करें जरा हम उम्मीद कर रहे हैं कि सबको फॉर्मूला याद हो गया है वाई का मतलब डेप्थ है डी जो भी कैनाल की डेप्थ होगी ठीक है सर इन दिस कंडीशन एन अनलाइन कैनाल विल बी स्टेबल नॉन स्कोरिंग कौन सी कंडीशन ये कंडीशन जब हमारे देखो तीन बातें हैं सर ऐसा भी हो सकता है कि कभी कैनाल में वेलोसिटी कम हो जाए तो हमें पता है एक बहुत बढ़िया चीज़ बहुत बढ़िया चीज़ तुमको बताते हैं मेन कैनाल में कुछ डिस्चार्ज आता है और वो डिस्चार्ज ब्रांचेज में ब्रांचेज से डिस्ट्रीब्यूटरीज में डिस्ट्रीब्यूटरी से माइनर में जाता है तुमने पढ़ रखा है होता क्या है जब फील्ड तक पानी पहुंचता है ठीक है तो अगर हम सारी कैनाल्स जो छोटी छोटी कैनाल्स हैं उनको फुल चलाएं सुनना बहुत ध्यान से उनको फुल चलाना चाहिए है ना तभी खेतों तक पूरा तरीके से पानी पहुंचेगा अगर हम उनको फुल चलाते हैं तो वो सारे डिस्चार्जेस का सम करके जो पेरेट चैनल जहाँ से पानी आ रहा है उतना सम मिलेगा नहीं जैसे मान लो पाँच कैनाल निकल रही है एक में पाँच एक में डिस्चार्ज दस है एक में बीस है एक में तीस है तो अगर सबको सम करोगे तो मान लो सौ का डिस्चार्ज मिल गया तो शॉर्ट डिस्चार्ज ऊपर जिस कैनाल से वो पाँचों निकल रही उसमें है ही नहीं तुम बात समझो इसका मतलब सारे जो ब्रांचेज हैं या सारी जो डिस्ट्रीब्यूटरीज है वो एक साथ नहीं चलाई जा सकती हैं तभी पता है क्या करते हैं हम लोग एक आ, मैप प्रिपेयर करते हैं एक रोस्टर तैयार करते हैं रोस्टर मतलब एक तरह का मैप होता है जिसमें ये लिखा होता है कि कब किसको चलाना चाहिए क्यों क्योंकि हम लोग जब सबको एक साथ चला नहीं सकते फुल लेवल पे ठीक है सबको एक साथ फुल लेवल पे चला नहीं सकते तो ऑप्शन क्या बचा दो ऑप्शन है या तो आप एक एक करके चलाइए पहले इसको चलाइए ताकि इधर का गाँव पानी ले लें फिर उसको चलाइए इनको बंद कर दीजिए ताकि उधर का गाँव पानी ले लें लेकिन दूसरा तरीका क्या है कि आप सबको कम कम चलाइए लेकिन अगर हम सबको कम कम चलाएंगे तो प्रॉब्लम होगी क्यों क्योंकि अगर आप सारी केनाल में थोड़ा थोड़ा पानी रखेंगे तो उसकी क्रिटिकल लॉसि मेंटेन नहीं हो पाएगी क्रिटिकल लॉसि मेंटेन नहीं होगी तो वहाँ पे बहुत सारी सिल्ट डिपॉजिट हो जाएगी और कैनाल का पर्पस डिफीट हो जाएगा फिर सफाई करानी पड़ेगी मेंटेनेंस करानी पड़ेगी दिक्कत बात समझ लो कैनाल हमेशा फुल चलनी चाहिए ये बात समझो पुल नहीं लेकिन हाँ एक सफिशेंट एलोसिपी चलनी चाहिए कि पानी बढ़िया तरीके से फ़्लो करे ऐसा ना हो कि वहाँ सिल्टी सिल्ट डिपॉजिट हो जाए ये कॉन्सेप्ट है ठीक है इसलिए एक मैप तैयार करते हैं कि पहले भैया एक को चला लो कायदे से फिर इनको बंद करो इस गाँव को रोको इनको दो पानी फिर अगले हफ्ते उनकी बारी आएगी फिर तीन दिन इनकी बारी समझ रहे हो इस तरह से मैनेज करते हैं नहीं चाहे तो हम लोड डिस्चार्ज में सबको चला सकते हैं एक साथ लेकिन लोड डिस्चार्ज में क्यों नहीं चला जाता नहीं तो सिल्ट डिपॉजिट हो जाएगी ये बात हमको एकदम से याद आई अभी ठीक है आई होप ये बात समझ में आ गई होगी ठीक क्लियर है चलो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है बढ़िया तो अब बताना ये चाह रहे हैं कि सर अगर कैनाल की वेलोसिटी अगर क्रिटिकल वलॉसिटी से कम है तो सर वहाँ पे मिट्टी बैठने लगेगी जो कि एक बहुत विकट समस्या है ये बात बढ़िया नहीं है और अगर वेलोसिटी ज़्यादा हो गई क्रिटिकल से तो वहाँ पे स्कावरिंग होने लगेगी है ना लेकिन हमें क्या चाहिए हमें ऐसी वेलॉसिटी चाहिए सर एकदम क्रिटिकल के बराबर जिससे ना सिल्टिंग हो नॉन स्कांग हो सर मज़ा आ जाएगा और उस केस में हमारा कैनाल जो है नॉन स्कांग बन जाएगा ठीक है एक बार सब लोग यहां तक यस लिख देंगे और दो बातें बता दो जो कैने बताई कैनेडियन बताइए बताई बताइए दो बातें दो कौन सी दो बातें हैं जरा जल्दी से सब लोग कमेंट कर बताएंगे कौन सी दो बातें हैं एक तो यही जो पिछली वाली स्लाइड थी एक तो उन्होंने क्रिटिकल वेलोसिटी का कॉन्सर्ट दिया चमत्कारी वाला सर उन्होंने ठीक है दूसरा बताओ दूसरी बता दो ठीक है ये लड़का बहुत परेशान हो रहा है सही है हाँ एक तो क्रिटिकल दूसरा क्या बोला उन्होंने कमेंट करो दूसरी बताओ पहली तो हम हमको पता है यार क्रिटिकल तो हमने बता रही दूसरी बताओ तुम यार दूसरी बात चल रही है ना हैं बात चल रही दूसरी की तो दूसरी क्या बताई उन्होंने दूसरी बताई उन्होंने कोई बता पा रहा है दूसरी दिमाग में नहीं आ रही इन लोग के बहुत बढ़िया अभी बताई थी हमने क्या उन्होंने बताया कि सिल्ड सपोर्टिंग पावर एडी से जनरेट हो रही है सिल्ड सपोर्टिंग पावर एडी से जनरेट होती है जब फ्रिक्शन की वजह से एकदम टर्बुलेंस जनरेट होती है तो उससे हमारी स्टेल सपोर्टिंग पावर आती है ठीक है ये बात हो गई ये उन्होंने पहले ऑब्जर्वेशन बताया और दूसरा उन्होंने क्रिटिकल ऑजी कॉन्सेप्ट दिया और अब हम लोग मेथड समझते हैं ठीक है मेथड समझते हैं किस तरीके से कैनेडी की थ्योरी का इस्तेमाल करके हम लोग अपने कैनाल को डिज़ाइन कर लेंगे कैनाल डिजाइन का मतलब क्या है एग्जैक्ट कैनाल डिजाइन का एग्जैक्ट मतलब क्या है ये समझना है ठीक है सभी लोग बहुत ध्यान सुनेंगे कैनाल हाँ बिल्कुल सही एडीज़ बिल्कुल सही बताया वेरी गुड उत्सव ने एकदम सही बताया है शिव बोल रहे हैं पावर वेरी गुड बहुत बढ़िया अब सुनो कैनाल डिजाइन का मतलब क्या है यार कैनाल डिजाइन का मतलब क्या होता है ध्यान सुनना अगर हम इंजीनियर हैं ठीक है अगर हम इंजीनियर हैं तो बात समझो यहाँ पे हमको बताया जाएगा कि भैया एक डिस्चार्ज है हमें इस कैनाल में इतना डिस्चार्ज चाहिए इंजीनियर साहब हमें इस कैनाल में दस मीटर क्यूब प्रति सेकेंड पानी चाहिए अब आप बताइए कि इस कैनाल का डायमेंशन क्या रखें इसकी विर्थ क्या रखें इसकी साइड स्लोप्स कितनी रखें इसकी बेड स्लोप क्या रखी जाए बेड स्लोप मतलब जिस स्लोप से पानी आगे बढ़ता है ठीक है बेड स्लोप यहाँ पे हमारे पानी को एड करती है ताकि वो आगे बढ़े है ना नहीं समझ में आ रही बात सिंपल बात है यार एकदम हम अगर इंजीनियर हैं तो हमको डिस्चार्ज आ जाएगा बस हमको ऊपर से आदेश आएगा कि भैया ये डिस्चार्ज है अब कैनाल को डिजाइन करो बताओ कैनाल की विर्थ साइड स्लोप डेप्थ क्या होगी बेड स्लोप क्या होगी ये सब है ठीक है तो अब हम लोग क्या करेंगे लेकिन हमें उस कैनाल जहाँ पे फ्लो कर रही है उस मिट्टी की भी कुछ बातें चाहिए वो मिट्टी वहाँ कैसी है हमें ये पता लगाना पड़ेगा ठीक है या तो हमको मिलेगा तो देखो हमको क्वेश्चन के अंदर तीन चार चीजें दे रखी होंगी बहुत ध्यान सुनना ठीक है हमको तीन चार चीजें दे रखी होंगी हमको दिया रहेगा डिस्चार्ज ये तो हमने तुमको बताया भाई बिना डिस्चार्ज क्या करोगे घूमोगे हैं डिस्चार्ज दिया रहेगा बहुत जरूरी बात है बेटा बहुत ध्यान सुनना ठीक है हमको डिस्चार्ज दिया रहेगा ठीक उसके बाद यहाँ सुनते चलो हमको डिस्चार्ज दिया रहेगा उसके बाद जो मिट्टी है उस मिट्टी के हिसाब से रेगोसिटी कोफिशेंट होगा क्योंकि हम तुमको बता चुके हैं हम तुमको क्या बताए थे कि जो हमारा रेगोसिटी कोफिशेंट होता है सर आपने हमको बताया था कि जो रेगोसिटी कोफिशेंट होता है वो पार्टिकल साइज पे डिपेंड करता है ठीक है पार्टिकल साइज़ जो होता है उस पर डिपेंड करता है ठीक है बहुत सिंपल सी बात है तो मिट्टी पे डिपेंड करता है आपका एन तो हमें उस जगह पे जहाँ पे हम कैनाल डिज़ाइन करने वाले हैं वहाँ का एन पता होना चाहिए सही है फिर हमको पता होना चाहिए वहाँ का क्रिटिकल लॉस की रेशियो क्योंकि सर अगर यहाँ की मिट्टी वहाँ से मोटी होगी कहाँ से मोटी आ, अपर बड़ी दुआ वाले से तो इसकी वैल्यू वन से ज़्यादा होगी एम की वैल्यू वन ना वन से कम होगी आपने बताया था हमको आज ही ठीक है और चौथी चीज़ होती है या तो बेड स्लोप पता हो या तो बी बाई डी का रेशियो हम लोग क्या रखेंगे ये पता हो ठीक है तो हमको कितनी बातें पता होंगी जरा कमेंट कर दो हम पहले बेड स्लोप को लेकर चल रहे हैं अभी उसको भूल जाओ कमेंट करो कितनी बातें हमें क्वेश्चन के अंदर दी रहेंगी डिस्चार्ज कमेंट चाहिए भैया कमेंट करो जल्दी से कमेंट चाहिए बहुत तेजी से क्यू रगोसिटी कोफिशेंट क्रिटिकल रेशियो ये दोनों मिट्टी पर डिपेंड करता है कि मिट्टी किस प्रकार की है और उस एरिया की स्लोप क्या है उस क्योंकि देखो एक्चुअली क्या है कैनाल की बेड स्लोप जनरली हम लोग थोड़ी सी माइल्ड रखते हैं ठीक है और अगर वो मान लो उस एरिया की स्लोप है तब तो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा है ना तो बेड स्लोप भी हमको पता होनी चाहिए या हम जो रखना चाहते हैं वो हम यहाँ पर लिखेंगे ठीक है देखो कोशिश ये करने की जो ये बेड स्लोप है सुन लो मान लीजिए सर ये ज़मीन है आपकी उस एरिया की स्लोप ऐसी है ठीक है तो हम बेड स्लोप ऐसी रखेंगे कैनाल की कि ज़्यादा कटाई उटाई ना करना मान लो हमने कैनाल की बेड स्लोप ऐसे रख दी बहुत माइल्ड रख दी और ये हमारी ज़मीन की स्लोप ऐसी है तो यहाँ पे बहुत सारी कटाई करनी पड़ेगी कटिंग करनी पड़ेगी और यहाँ मिट्टी भरनी पड़ेगी है ना ये बहुत दूर तक जाएगा हजारों किलोमीटर तक मान लो नहर अगर है तो दिक्कत होगी बात समझ में आ रही है ठीक है तो मतलब हमें कोशिश ये करनी है कि जो ढलान है बेड स्लोप वो हम मैच कर दें ठीक है हमारी जो बेड स्लोप है वो हमारे कैनाल की स्लोप से मैच करे तो ज़्यादा पैसा ना लगे सर कटिंग फिलिंग में ठीक है ये कोशिश हमें करनी है हाँ तो हम बता दें कमेंट करो क्या हमारे पास दिया रहेगा क्यू एन एम और एस ठीक है ठीक है क्लियर हाँ हाँ डिस्चार्ज एन एम और एस वेरी गुड उत्सव फ्रांशु सिद्धार्थ पूनम बहुत बढ़िया ठीक है बिल्कुल क्यू हम अब देखो हम चार स्टेप हैं Uh, वैसे हम देखो क्वेश्चन में अगर हमको क्यू एन एम और एस दिया हुआ है तो सिंपल ये प्रोसीजर है क्या करना है एक क्वेश्चन भी करेंगे हम लोग इसके ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट है भाई ध्यान सुनना एकदम प्रोसीजर बहुत ध्यान सुनना तुमसे गेट एग्जाम में क्या पता इसमें से कोई छोटा सा स्टेप पूछ ले तो सबसे पहले हमको एक डेप्थ अपने मन से एज्यूम करनी पड़ेगी ये थोड़ा सा बकवास मेथड है यार इसमें थोड़ा सा बवाल ज़्यादा होता है बवाल ज़्यादा होता है क्योंकि तुक्का लगाना पड़ता है ट्रायल्स लेने पड़ते हैं ना तो देखो क्या करते हैं हम लोग एक डेप्थ एज्यूम करते हैं सबसे पहले फिर हम क्रिटिकल लॉसी निकालते हैं जो आपने अभी हमको सिखाया फॉर्मला याद ही है सबको बी नोट वाला ठीक उसके बाद जब वेलोसिटी निकल गई है तो डिस्चार्ज क्वेश्चन में हमको दिया गया था सर डिस्चार्ज अपॉन वेलोसिटी करके हम एरिया निकालते हैं ठीक है एरिया का फॉर्मला तुमको उनको पढ़ा रखा है एरिया फॉमला तो सबको याद ही है भाई एपिसोड का सर ये भी आपने याद कराया हमको कल आपने कमेंट भी करवाया था याद आ रहा होगा सबको ठीक है तो यहाँ से हम बी निकालेंगे क्योंकि डेप्थ हमने एज्यूम करी सबसे पहले स्टेप में एस हमारा साइड स्लोप भी क्वेश्चन में दिया रहेगा जनरली फिक्स मानते हैं जस्ट अभी निकाला इस एरिया के हेल्प से हम B निकालेंगे। तो बी क्या ए बाई डी ये डी नीचे ले एस डी माइनस कर दो, दो। यहां से बी निकल के आ जाएगा ये देखो ठीक है समझ में आ रहा है तो डेप्थ हमने अपने मन से एज्यूम करी बी हमारा यहां पे निकल के आ गया उस डी के करस्पॉन्डिंग ठीक है और फिर हम फिर निकालेंगे हम लोग पेरीमीटर फॉर्मूले से बेसिक फॉर्मूला अपना अपने पास बी है डी हमने एज्यूम किया था यहाँ पे ऐस अपनी साइड से रहा है कि क्वेश्चन नहीं एज्यूम कर लेंगे वही वाली जो आप बताएंगे सर और फिर निकालेंगे हाइड्रोलिक रेडियस ए वाई पी यहाँ तक कहानी समझ लो ठीक इस कहानी को हम लोग यहाँ तक समझ लेंगे ये सारे स्टेप हम लोग को एक क्वेश्चन के थ्रू भी समझा दे तो ठीक है और तुम लोग सॉल्व करोगे कैलसी निकाल लो बेटा जरा ठीक है गेट का अपना क्वेश्चन भी हम लोग लगे यहाँ तो देख डाला जाए ठीक है कैलसी साहब लोग निकाल लो एक क्वेश्चन हम लोग करेंगे इसी के ऊपर अच्छा सुन लो पूरा पहले मेथड यहाँ तक क्लियर है अब हम इस आर की हेल्प से कैनेडी को पता नहीं क्या दिमाग में आया कि उन्होंने कटर साहब की इक्वेशन उठाई पता नहीं मैनिंग इक्वेशन क्यों नहीं ली उन्होंने मैनिंग इक्वेशन आसान थी ठीक है पता नहीं नहीं रही होगी नहीं मिली होगी जो भी है अभी तक चली आ रही है तो कैनेडी ने क्या किया कटर्स की इक्वेशन उठाई भाई वेलोसिटी फाइंड करने की एक मैनिंग इक्वेशन भी होती है लेकिन उनको कैंडी कटर से प्यार था भैया तो उन्होंने उनकी उठा ली वेलोसिटी इज इक्वल टू एक बहुत सारा कूड़ा कबाड़ा आगे अंडर रूट आर एस ये जो आर निकाला है ठीक है इसको उठा के आर की जगह रखेंगे यहाँ पे यहाँ पे आर है और बेड स्लोप जो क्वेश्चन हमको दी रहेगी बेड स्लोप जो क्वेश्चन हमको दी रहेगी उसको भी उठा के यहाँ रखेंगे यहाँ पे यहाँ पे और यहाँ पे ठीक सिंपल तो बात ये है आर हो गया ये हो गया एन अपना वही मैनिंग कोफिशेंट वो भी उठा के रख देंगे तो इस पूरे फॉर्मूले में जो बहुत ख़तरनाक सा है सर इससे हम लोग कैनाल की एक्चुअल लॉसी निकालेंगे और अब ये दुआ करेंगे क्या दुआ करेंगे कि सर एक्चुअल लॉसी जो कैनाल में आ रही है कैनाल की जो एक्चुअल लॉस्टी है वो क्रिटिकल के बराबर हो जाए बताओ क्या तुम्हारी दुआ एक बार में पूरी हो जाएगी क्या तुम कैनाल की जो एक्चुअल लॉसि निकाल रहे हो एक बार में क्रिटिकल लॉसी के बराबर आ जाएगी क्या बताओ क्रिटिकल लॉस्टी सर आपने निकाली क्या वो वी के बराबर आ जाएगी एक बार में बताओ यस और नो बताओ यार हमको हम तुम्हें सब बताएंगे सुनता चिंता ना करो तुम ठीक है ये फॉर्मूला कैसे याद होगा क्या होगा हम बताते हैं तुम्हें तुम्हें कोई टेंशन नहीं जरूरत नहीं सुनना ज़्यादा है सुनना है और कमेंट करना है ठीक है बस हाँ नहीं हम लोग नहीं कर सकते बेटा ना 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 एक बालक ने यहाँ पूछा है कि हम लोग इसकी जगह क्या मैनेज यूज़ कर सकते नहीं ऐसा नहीं है तुम लोग घबराओ मत घबराओ नहीं तो एक बार में वेलोसिटी बैच नहीं करेगी तो आप क्या करें बताओ आप समस्या आ गई तो हमारे पास दिमाग ख़राब हो जाएगा हमारा और हमको यहाँ पे डेप्थ दोबारा से चेंज करनी पड़ेगी मान लो पहले हमने वन मीटर डेप्थ मानी थी तो हमें बढ़ानी है कम करनी पड़ेगी ताकि मैच हो ठीक है तो अब इसको मैच करने में क्या होगा है ना अब इसको मैच करने में दिक्कत होगी बार बार ट्रायल लेने पड़ेंगे तुम फिर कुछ डेप्थ लोगे फिर मैच नहीं होगा तो कितनी बार करना पड़ेगा कई बार है ना तो ये बड़ी प्रॉब्लम की बात है अब देखो जरा इसको हम लोग कैसे करते हैं देखो अगर जो कटर फॉर्मूले से वेलोसिटी ज़्यादा आई सुनना ध्यान से वेलोसिटी मान लो ज़्यादा आई ठीक है तो हम लोग को इधर देखो ये वेलोसिटी मान लो ज़्यादा आ रही है ठीक तो हमें डेप्थ बढ़ानी पड़ेगी हम डेप्थ को बढ़ाएंगे ताकि वी नोट बढ़े ताकि वी नोट बढ़े हम अगली बार जो डेप्थ मतलब पिछली बार मान लो अगर हमने एक मीटर लिया था तो आपकी वन पॉइंट टू मीटर लेंगे सुन रहे हो हमने पिछली बार डेप्थ अगर एक मीटर ली थी तो आपकी ज़्यादा लेंगे क्यों ताकि वी नॉट बढ़ जाए और बढ़ के ये बढ़ के यहाँ इसके बराबर पहुँच जाए ठीक है ऐसी कोशिश रहेगी यही यहाँ पे हमने लिखा है कि अगर सर आपका वी एक्चुअल लॉस ही ज़्यादा आती है तो आप डेप्थ को बढ़ाइए अगली बार आप जो डेप्थ को अज्यूम करिए वो ग्रेटर डेप्थ अज्यूम करिए नेक्स्ट ट्रायल के अंदर ताकि हम वी नॉट को इंक्रीज करके वी के बराबर पहुँचा सकें चैनल में जो वेलोसिटी उसके बराबर पहुँचा सकें बात समझ में आ रही और अगर कम आई तो हम डेप्थ को कम मानेंगे ठीक है अगली बार ताकि हमारा वी नॉट कम हो और वो कम हो के वी के बराबर हो जाए इस तरह से ट्रायल लिया जाएगा ठीक सिंपल क्वेश्चन करते हैं एक ये प्रोसीजर अभी नहीं देखेंगे हम लोग दूसरा प्रोसीजर है तो एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है ये फॉर्मूला थोड़ा तो सा हमको पता है तुम्हें याद नहीं हो रहा होगा इसमें वैसे तुम ये चीज़ देखो ये पूरी की पूरी सेम डोमीटर में आई हुई है वन बाई एन एन बाई एन रूट आर यहाँ पे आया हुआ है चलो फिलहाल ये पूरा जो कूड़ा है इसको कॉन्स्टेंट सी मान लो क्या मान लो कॉन्स्टेंट सी जिस क्वेश्चन को हम अभी कराने जा रहे हैं यहाँ देखो सी अंडर रूट आर एस इस क्वेश्चन में यहाँ पे देखो उन्होंने दे रखा है कि कटर्स इक्वेशन इज इक्वल टू इक्वल टू सी अंडर रूट आर एस तो इन्होंने सब एन मेन तुमको नहीं दे रखा है ठीक है सीधे सी की वैल्यू दे रखी है और बोला सी भैया थर्टी आ गया तो ज्यादा टेंशन तुम मत लो ऐसा बोल दिया इन्होंने है ना हम्म हाँ कूड़ा ही मान के चलो इतना बड़ा है क्या बताया जाए ठीक है हाँ लेकिन ये वैसे चीज़ ही है नहीं उनके जैसा है विकास कह रहे हैं ये चीज़ें इक्विज बन गया लेकिन एग्जैक्टली चीज़ कुछ नहीं है उनके जैसा है ये ठीक है उनके जैसा हम्म तो एक क्वेश्चन दिया गया हम लोग को बहुत ज़रूरी ध्यान सुनो भैया क्वेश्चन यहां सुनेंगे इस क्वेश्चन के अंदर हमको बोल रहा है कि भाई ऐसा है डिजाइन द चैनल क्वेश्चन ने बोला डिजाइन द चैनल अब डिजाइन द चैनल तुमको क्या देगा यार क्यू एम एन और बेट्स स्लोप यही था 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 था। तो बोला है ना तुमको तो देखिए सर यहाँ पे क्यू दिया है पाँच लिखा है देखो ठीक अच्छा तो अगर क्यू कोई ऐसी चैनल है जिसके अंदर डिस्चार्ज पाँच है तो बता सकते हो वो मेन कैनल होगी कि ब्रांच होगी क्या होगी बता सकते हो कोई आइडिया रफ रफ देखें याद है कि नहीं कुछ ऐसे बता तो नहीं पाओगे तो हमको यहाँ तक लग रहा है क्योंकि तुम तो भूलते हो भाई पिछली क्लास और उसकी पिछली क्लास में क्या हुआ हमको तो याद ही नहीं है सर बताओ तब तो तक हम आगे बढ़ रहे हैं हाँ सर तो आपका डिस्चार्ज दिया गया है और फिर आपका देखिए यहाँ पे साइड स्लोप दी गई है देखो साइड स्लोप जनरली हर क्वेश्चन में तुम यही देखोगे सेम वन वर्टिकल पॉइंट फाइव हॉर्टल सेम रहती है जनली नहीं भी दिया तो यही मान लो अपने मन से ठीक है कमेंट आया है कुछ लोग कह रहे हैं मेन कैनाल बेटा मेन कैनाल बहुत बड़ी होती है पाँच मीटर का तो कुछ भी नहीं है मेन कैनाल बहुत बड़ी बड़ी होती हैं समझ रहे हो मेन कैनाल का कर तुमको आइडिया नहीं है मेजर डिस्ट्रीब्यूटरी बता रहे हैं है। हाँ मेजर डिस्ट्रीब्यूटरी या ब्रांच हो सकती है ठीक है हाँ सही है डिस्ट्रीब्यूटरी या ब्रांच हो सकती है बिल्कुल सही तुम बता रहे हो चलो ठीक है वापस आ जाओ इधर सही तो है मेन कनाल तो मेन कनाल के हिसाब से डिस्चार्ज बहुत कम है हाँ तो ये दिया गया एम दिया गया सर देखिए एम कितना है पॉइंट एट अच्छा यहाँ पॉइंट एट दिया इसका मतलब सर यहाँ की जो मिट्टी है जहाँ पे आप कैनल डिजाइन करने जा रहे हैं वो मिट्टी आपकी अपर बड़ी दुआब से छोटी है अपर बड़ी दुआब रीजन से छोटी मिट्टी है ठीक है तो आपका हाँ बेड स्लोप दिया कितना देखो अगर आप पॉइंट एक किलोमीटर आगे जाते हैं अगर आप सीधाई में एक किलोमीटर आगे जाते हैं तो आप पॉइंट मीटर नीचे चले जाएंगे मान लीजिए यहाँ पे आप हैं आप जैसे एक किलोमीटर सीधा चले गए तो आपका जो लेवल था जो हाइट थी वो पॉइंट टू मीटर कम हो गई यहाँ लिखा है पॉइंट टू -मीटर, मीटर प्रति एक किलोमीटर पॉइंट टू मीटर प्रति एक किलोमीटर ठीक है तो पॉइंट टू मीटर प्रति एक किलोमीटर पॉइंट टू मीटर प्रति एक किलोमीटर एक किलोमीटर हजार मीटर यहाँ लिखा हुआ है तो ये सॉल्व करोगे फायदा आ जाएगा ठीक है ये हमारी गई बैड स्लोप आसान है समझ गए हो ठीक है सर बैड स्लोप भी दी गई है तो क्यू एम सब दे दिया गया तो हमने अब क्वेश्चन शुरू करा आप सब लोग अपना कैलकुलेटर निकालो और जरा आंसर सॉल्व करना शुरू करो जल्दी से लिखो फटाफट ठीक है हमने सबसे पहले डेप्थ को कंज्यूम किया वन जब भी तुम्हारा डिस्चार्ज दस मीटर क्यूब के आसपास रहे या उसके अंदर रहे तो हमेशा डेप्थ वन से शुरू करना एक्चुअली जो डेप्थ होगी वो डिस्चार्ज डिपेंडेंट होती है डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा ज़्यादा दिया है तो डेप्थ को तुम दो मीटर से भी शुरू कर सकते हो डेप्थ क्या अज्यूम करोगे ये डिपेंड करता है क्वेश्चन डिस्चार्ज ज्यादा है कि कम जनरली तुम मीटर मानो क्योंकि तुमको जो क्वेश्चन लेंगे उसमें डिस्चार्ज तुम देखोगे दस से जनरली कम ही रहेगा ठीक है स्टेप नंबर वन ये देखो ये बहुत बढ़िया सिस्टम है यहाँ पे डेप्थ हमने मानी कितनी वन मानी ठीक है अब सभी लोग स्टेप नंबर वन में क्रिटिकल लॉस निकालेंगे चलो कमेंट करो कितनी आ रही है इस टेबल को मत देखो कमेंट करो कितनी आ रही है क्रिटिकल क्रिटिकलॉसी फार्मला लगाएंगे सब लोग जल्दी देखो साथ साथ एक बार कर लो क्वेश्चन तो काम खत्म हो जाएगा अभी करके खत्म करो एग्जाम के लिए सीधे है ना बार बार के बवाल मत छोड़ो सभी लोग जरा कैलकुलेटर चलाएंगे कैलकुलेटर उठाओ भैया फटाफट हाँ वेरी गुड भाविक बता रहे हैं पॉइंट फोर फोर आ रही है कैसे डेप्थ हमने वन मीटर मानी ट्रायल नंबर वन चल रहा है डेप्थ मानी हमने लगाया फार्माला पॉइंट फाइव फाइव एम कितना दिया क्वेश्चन में जीरो पॉइंट एट रखो यहाँ पे और डी की जगह वन रख दो डेप्थ तो पॉइंट एट इंटू पॉइंट फाइव करा पॉइंट फोर फोर आ गया ठीक है इतना तुम लोग निकाल लियोगे अब एरिया निकालो सर एरिया कैसे निकलेगा सर डिस्चार्ज अपन वेलोसिटी सर क्वेश्चन में डिस्चार्ज में कितना दिया है कितना दिया था पाँच मीटर क्यूब पर सेकेंड ठीक है वेलोसिटी आपने कितनी निकाली अभी पॉइंट फोर फोर समझते चलो भाई देखो साथ साथ कमेंट करो कितना आ रहा है डिवाइड करो कितना आ रहा है ये जल्दी बताओ फटाफट फटा टाइम नहीं है इतना कितना आ रहा है सर आपका एरिया आ रहा है यही आ रहा है मैच करो लेवन पॉइंट थ्री सिक्स आ रहा है कि नहीं आ रहा है यस और नो कमेंट करो कमेंट कमेंट करो सोना नहीं है जल्दी से बताओ आंसर बताओ फटाफट ठीक है कैलकुलेटर चलाओ ज़रा ठीक है फिर हमारा एरिया सर आ रहा है एरिया आ रहा है क्या नाम है लेवन पोर्ट थ्री सिक्स फिर निकालेंगे बी अब आपको पता है सर एरिया का फॉर्मूला क्या है बी प्लस एस डी इंटू डी ठीक है ए बाई डी कर देंगे इधर ले आएंगे ये ठीक एस डी को माइनस कर दो यहाँ से बी निकालो जरा बी निकालो यहाँ से एरिया कितना 11.36 पॉइंट थ्री सिक्स आपने बताया डेप्थ आपकी वन है एस आपका पॉइंट फाइव है कितना आ रहा है तो बहुत सिंपल है यार तो टेन पॉइंट एट सिक्स आ जाएगा तुरंत आ रहा है टेन पॉइंट एट सिक्स सब सेम आ रहा है बढ़िया से आगे बताओ पेरीमीटर निकालेंगे कैलसी चलाओ बेटा ठीक है हम चाह रहे हैं कैलसी पर चलाओ जरा जल्दी जल्दी तो हमने अब विथ निकली विथ कितनी आई सर टेन पॉइंट एट सिक्स रखा है यहाँ ठीक है ए बी पी क्रिटिकल लॉसी का तो हमने ए बी पी निकाला टू डेप्थ कितनी सर वन एस कितना पॉइंट फाइव बताओ यहाँ से पेरीमीटर कितना आ रहा है कमेंट करो जल्दी देखो कमेंट हमको बहुत तेज़ी से चाहिए इस समय कमेंट चाहिए हमको तेज़ी से समय जल्दी जल्दी बताओ कितना आ रहा है कमेंट कमेंट कह रहे हैं ये पेरीमीटर कितना आ रहा है जल्दी निकालो यार क्या कर रहे हो तुम लोग इतनी देर हैं कितना आ रहा है हमारा पेरीमीटर मैच हो रहा है आप आ पा रहा है कि नहीं आ पा रहा है थर्टीन पॉइंट जीरो नाइन थर्टीन थ्री जीरो नाइन आ रहा है बहुत सही एक ही आना चाहिए सबका जो है ठीक है आ गया ये बहुत बढ़िया आर निकालो अब आर हाइड्रोलिक रेडियस होता है बाई पी तो एरिया और जो ये ए है एलेवन पॉइंट थ्री सिक्स और पी तुम्हारा ये है डिवाइड कर लो ये तो कर लोगे आराम से यार इसको चलो माफ़ कर रहे हैं इसको मत निकालो ये जीरो पॉइंट एट सिक्स में आना जाएगा अब निकालेंगे एक्चुअल वेलोसिटी अब हम निकालेंगे एक्चुअल वेलोसिटी जो कि कटर से आती है लेकिन हमको क्वेश्चन कह रहा है कि भैया ऐसा है वो बड़ा कूड़ा कबाड़ा याद मत करो वी इक्वल टू सीधे सी अंडर रूट आर एस लगा दो ठीक है वी इक्वल टू सी अंडर रूट आर एस तो मैं आसान कर दिया हमने क्वेश्चन और सी की वैल्यू तुम सीधे ले लो थर्टी लिखा हुआ है वी सी इज कंप्यूटेड एज उन्होंने कंप्यूट करके तुमको डायरेक्ट दे दिया है तुम्हें बचा लिया है बस किस्मत अच्छी है तुम्हारी समझे अगर वो एन दे देते ना तुमको तो वन बाई एन प्लस ट्वेंटी थ्री बाय पूरा लगाना पड़ता है जीरो पॉइंट जीरो वन फाइव अपॉन एस करके अपॉन वन प्लस पूरा बैट पूरा वही ब्रैकेट एन अपॉन रूट आर ब्रैकेट में बाहर एंड रूट एस माइनस आर माइन आर एस है ना चलो निकालो फिलहाल आप भी लॉस्टी निकालो थर्टी ठीक है आर कितना आया है सर अपना आर आया है पॉइंट एट सिक्स सेवन आया कि नहीं आया है और एस कितना है सर बेट्स लो वन इन फाइव थाउजेंड बताओ चलो लॉस्टी कितनी आ रही है बताओ क्रिटिकल के बराबर आ रही कि नहीं आ रही है हैं क्रिटिकल बराबर आ रही कि नहीं आ रही इतना बताओ हमको कमेंट में हाँ या ना में आंसर चाहिए आ रही कि नहीं आ रही है गौरव कह रहे हैं ज़ीरो पॉइंट थ्री नाइन फाइव आ रही है अच्छा देखें जरा ज़ीरो पॉइंट थ्री नाइन फाइव आ रही है कि नहीं आ रही है भला इंसान है इसने सर थोड़ी मेहनत बचाई हम लोग की थोड़ी मेहनत बचा रहा है ये ज़ीरो पॉइंट थ्री नाइन फाइव गौरव ने बताया वेरी गुड गौरव तुम्हारी इज्जत बढ़ गई बहुत ज़्यादा हमारी नज़रों में ठीक है आज तुम यहाँ से यहाँ पहुँच गए हो समझो अच्छा आप देखिए सर ऐसा है मैच करिए क्या ये इसके बराबर है क्या ये और ये बराबर है हमको तो पास पास लग रहे हैं लेकिन बहुत पास तो नहीं है सर है ना? जब ये लाखों और करोड़ों का काम है तो एक बार मेहनत और कर लेते हैं ठीक है तो ये बराबर नहीं है अब बताओ जाओ करेंगे क्या देखिए सर हमें क्या करना है ये अपने हाथ में है हम डेप्थ को चेंज कर सकते हैं अब देखो यार एक्चुअल में हमें इसको कम करना पड़ेगा इसको कैसे कम करेंगे डेप्थ को कम करके बात समझो इसे कम कर कर करके करके कर हम यहाँ लाने की कोशिश करेंगे हम क्रिटिकल को चेंज कर उसको नहीं चाहिए वो तो बाद में आता है डेप्थ अपने हाथ में है तो हमने डेप्थ अगली बार वन से कुछ कम माननी है ये समझो पहले ये समझ में आया यस yes, लिखो एक बार अगली बार हम डेप्थ कम क्यों करेंगे समझ में आ गया सबको ये समझ गए ना ठीक है तो अब अगली बार हम लोग पॉइंट एट ले लेंगे ठीक है अगली बार पॉइंट एट ले लो तो सर बड़ी दिक्कत हो गई तो दिमाग खराब हो रहा है सर बहुत ज़्यादा अगली बार तो पॉइंट एट ले लिया है यहाँ पर हम तुमको बता रहे हैं तुम पॉइंट एट लोगे नहीं मैच होगा हमने बता दिया पहले ही मान लो फिर तुम देखोगे ऐसा होगा कि ये कम आएगा वो ज़्यादा आ जाएगा क्रिटिकल लॉसिक में ज़्यादा आएगी ठीक है फिर तुम डेप्थ को और कम करोगे अगली बार तुम पॉइंट सिक्स फाइव लेना हम बता रहे हैं ठीक है और एकदम मैच हो जाएगा ठीक है मतलब दो तीन ट्राई ले लो बस बात खत्म सर ये सब प्लेलिस्ट स्टेट एग्जाम के लिए उपयोगी हैं बेटा उपयोगी नहीं है ब्रह्मास् रहे हैं समझे पहले तो जो क्वेश्चन पूछो उसका आंसर हाँ है ये तुमको हम पहले ही बता चुके हैं ये बात जानते हो कि नहीं जो क्वेश्चन तुम पूछो उसका आंसर पहले ही हाँ ले लिया करो ठीक है हमने आज तक जितने स्टेट के पेपर फॉर्म भरे हैं और पेपर दे दिया है तो वो सब निकल गए हैं ठीक है ये मतलब एक बात बता रहे हैं तुमको और हमने यही सब पढ़ा है हमको इसके अलावा कुछ आता ही नहीं जो तुमको हम पढ़ा रहे हैं जितना हम उस एग्जाम के लिए पढ़ के गए होंगे घर वो सब हम यहाँ पे लिखते हैं और उससे ज़्यादा ही यहाँ पे लिखा है हमने कोई शक आप बताओ ठीक है सर गेट के ऊपर आप दे आएंगे तो इसका भी इसका आंसर भी हाँ चाहिए कैसे दे देंगे भगा दे जाएंगे फिर तुम अगले तीन चार साल पेपर दे भी नहीं पाओगे समझे हम दे आएंगे तो ये होता है सिस्टम एग्जाम नहीं ऐसा ना करो यार अरे पढ़ लो सब कितना ही टाइम लग रहा है एक दो साल पढ़ लो हो जाएगा सब कवर शॉर्टकट कर चेक करना पड़ो वैसे ये सब हमारे दिमाग में बहुत आता था, था पहले है ना कभी कभी हम पढ़ाई कर रहे होते थे और लगता था कितनी पढ़ाई चल रही है तो दिमाग में आता था कि कहीं पेपर मिल जाए और एकदम सारे क्वेश्चन पता चल जाएँ है ना या ऐसा मन करता था कि टाइम मशीन मिल जाए जिससे हम पेपर दे के आएँ फिर उसके एक घंटे वापस पीछे चले जाएँ और सब आंसर फिर जाके सही करते हैं और एकदम रैंक बना जाए ये सब ख्याल दिमाग बहुत आते हैं ठीक है हमारे तो बहुत ही ज़्यादा आते थे लेकिन हो तो सकता नहीं है है कि नहीं तो हो तो सकता है फिर पढ़ना पड़ता था पढ़ते थे बेचारे हम ठीक है हाँ तो हम बता रहे थे पॉइंट सिक्स फाइव लो और फिर से भाई पूरी प्रोसेस करो आपकी मैच हो जाएगा पॉइंट थ्री थ्री फोर पॉइंट थ्री फोर तो ये मतलब लगभग थ्री फोर ये लगभग पॉइंट थ्री फोर है ये भी लगभग पॉइंट थ्री फोर है तो लगभग लगभग मैच हो जाएगा ठीक है लगभग लगभग दोबारा स्टेप करेंगे मैच हो जाएगा ठीक है अब इसको याद कैसे करना सुन लो पहले ये स्टेप याद करने हैं सारे ठीक है एक बार हम बता रहे हैं सुन लो डेप्थ अज्यूम करी क्या अज्यूम करी डेप्थ और उसके बाद ऑब्वियसली तुम कैनेडी पढ़े तो क्रिटिकलॉसी निकालो इतना याद करो पहले डेप्थ अज्यूम करी हमने क्रिटिकल क्रिटिकलॉसी निकाली ये तो होना ही होना है उसके बाद ए बी पी बोलो चलो बोलो जरा हमारे साथ क्या है सर ए बी पी आर ए बी पी आर ठीक है ए बी पी आर हमको करना है और आखिरी में कटर से हम वेलोसिटी निकाल के इसको चेक कर लेंगे ये स्टेप समझ लो बस ठीक है हमको डेप्थ अज्यूम करनी है क्रिटिकलॉसी निकालनी है फिर ए बी पी आर निकालना है और फिर हम लोग कटर से वेलॉसी निकाल के मैच करेंगे ठीक है स्टेप समझ में आकर लिख दो जरा एक बार जल्दी से लिख दो ये सब याद नहीं होगा देखो हम तुमको तो इतनी मेहनत करके बता रहे हैं तो याद करो अभी के अभी अभी ख़त्म करना है सब ठीक है सब अभी ख़त्म करना है डेप्थ अज्यूम करी क्रिटिकलॉसी निकाली ए बी पी आर और फिर कटर्स ठीक है सबकी दिमाग में बात चली गई है ठीक चलो भाई तो ये तुमको समझना है ये पूरा प्रोसीजर है अब तुमसे एग्जाम में किसी प्रकार का को कोई क्वेश्चन पूछा सकता है क्या पता हम तुमसे स्टेप ही पूछ लें है तुमको डी निकालेंगे पहले ए निकालेंगे बी निकालेंगे कहेंगे इसको अरेंज कर दो कुछ भी बन सकता है क्वेश्चन ठीक है ऐसा तो कोई वो नहीं है कि ये नहीं आ सकता वो नहीं आ सकता ठीक है तो सेकंड स्टेप में हमने वही क्रिटिकलॉसि फिर से अब की हम डेप्थ को पॉइंट सिक्स फाइव रखेंगे तो ये आ जाएगा फिर पाँच अपॉन या नई वेलोसिटी कर देंगे तो ये आ जाएगा एरिया एरिया से बी निकालेंगे आ जाएगा पी निकालेंगे आएगा आर आ, जाएगा।, आ जाएगा तो ये आ जाएगा फिर रखा तो सेम हो गया मैच हो गया बहुत मज़ा आ गया सर एकदम इसमें ठीक है तो फाइनली हम अपनी विड्थ कितनी प्रोवाइड कर देंगे सर कैनल आ, कैनल में बैठ हुए बाईस डेप्थ कितनी देंगे पानी की सर पॉइंट सिक्स फाइव पानी डेप्थ पॉइंट सिक्स फाइव बेड स्लोप इतनी है और डिस्चार्ज इतना है हमारा कैनाल तैयार तो डिज़ाइन में हमको अल्टीमेटली बताना क्या होता है कमेंट बता सकते हो कमेंट करके हमको बता सकते हो कि डिज़ाइन में आखिर में पता क्या किया हमने कमेंट करो तो जल्दी से फिर पढ़ें आगे तो ये अपना हो गया कैनेडी थ्योरी ये कैनेडी थ्योरी पूरी कंप्लीट हो गई आई होप सबको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी ठीक है ये बी बाई डी का सिस्टम है मत पढ़ो ज़्यादा ज़रूरी नहीं है ये तो ना तुमको बेट स्लो वाले से बता दिया कभी कभी बी बाई डी वाला भी आ सकता है हम्म हाँ डेप्थ निकालनी है साइड स्लोप बेड विथ ये सब बताना है वेलोसिटी ऑफ फ्लो नहीं वेलोसिटी ऑफ फ्लो नहीं बताना है हमको बताना है हम कैनाल डिजाइन करने का मतलब ये है कि हमको बताना है विर्थ क्या है डेप्थ क्या है साइड स्लोप क्या रखेंगे ये सब क्या क्या रखना है वो बता होना चाहिए बेड स्लोप क्या रखेंगे ये सब बताना है ठीक है और फिर वो ड्राइंग हम प्रोवाइड कर देंगे तो जूनियर इंजीनियर साइड में लग के काम करवा लेगा का सारा ठीक अब एक ये तो आपका हो गया एक तरीका एक और तरीका ये कहाँ से आगे एक तरीका और है सर एक तरीका और है अपना जान लो थोड़ा सा पढ़ ही रहे हैं तो पूरा ही पढ़ लेते हैं हाँ तो ये तो प्रोसीजर वन हो गया सर जिसमें आपको Q N M और बेट्सलो देगा अब ऐसा हो सकता है कि Q M N और आपको B बाई डी मिले प्रोसीजर नंबर टू ऐसा हो सकता है कि सर आपको क्वेश्चन के अंदर Q N एम और बी बाई डी एस्पेक्ट रेशियो मिले ठीक है तो इस तरह क्वेश्चन कैसे करेंगे यहाँ देखो हम लोग पहले डेप्थ फाइंड करेंगे यूजिंग एरिया इन टू विलोस्टी ठीक है देखो सुनना ध्यान से डिस्चार्ज हमको पता है यहाँ पे एरिया का फॉर्म हमने यहाँ पूरा लिख दिया बी प्लस एस डी टू डी सिंपल क्रिटिकल हमारी ये लिखी हुई है हमने पूरी यहाँ पे डिस्चार्ज हमें क्वेश्चन में दिया गया है ठीक बी की जगह हम सी डी लिख देंगे देखो यहाँ पर थोड़ा समझना पड़ेगा तुमको क्योंकि तुमको बी बाई टी रेशियो दिया जैसे मान लो बोला है कि विथ अपेथ का रेशियो ढाई है मान लो ऐसा बोल रहा है है ना तो हम बी को लिख सकते हैं ढाई इंटू डी यस ऑन नो लिख सकते हैं तो जहाँ जहाँ सर यहाँ बी आ रहा है वहाँ पे हमने ढाई इंटू डी सी इन् डी लिख दिया सी मतलब ढाई मान लो अज्यूम कर रहे हैं लिख देंगे यहाँ पे और इस तरीके से पूरा का पूरा ये डी में आ जाएगा एम अपने पास है पता है हमें एस हमारा पता है पॉइंट फाइव रखते हैं ये हमको को क्वेश्चन दिया गया है एस्पेक्ट रेशियो ये क्वेश्चन दिया हुआ है हमको ठीक है तो सबसे पहले डेप्थ निकल के आ जाएगी तो सीधे एक बेसिक फॉर्म लगाया और हमने सीधे डेप्थ निकाल डाली तो सबसे पहले डेप्थ निकली ठीक है अब डेप्थ जो भी आई थी यहाँ रखो ढाई से गुणा करो एग्जाम्पल ले रहे हम तो बी आ जाएगा ठीक है तो पहले विथ्थ और डेप्थ निकल के आ जाएगी सीधे एक ही बार में क्लियर फिर अब तुम्हारा विथ्थ और डेप्थ आ गए तो यार एरिया परीमीटर निकाल ही लोगे यार बी प्लस एच डी इन डी और बी प्लस टू डी अंड वन प्लस स्क्वायर तो अपना एरिया परीमीटर निकला उससे अपना आर निकल जाएगा फिर सर क्रिटिकल लॉस निकाल देंगे निकल के आ गया फिर कटर फॉर्मूला में हम पुट करके बेड स्लोप निकालेंगे कटर फॉमूला बड़ा ख़तरनाक सा फॉमूला है एक बार देख लो जरा अब बेड स्लोप अच्छी है देखो बी और डी तो एक बार में निकल के आ गया सर यहाँ पे आप देखेंगे बी और डी तो एक बार में निकल के आ गया ये मेथड बेकार के हैं वो भी तुमको बता देते हैं बहुत सारी चीज़ें हैं यार बहुत गहराई है दुनिया में ये फॉर्मूला देखो इसमें बेड स्लोप दिख रहा है दिख रहा है अब तुमने वी नॉट निकाल दिया क्रिटिकल से उसको कटर के बराबर कर दो तो कटर में ये फॉर्मला यहाँ रखना एन रखना आर रखना सब रख देना एन आर और यहाँ से एस की वैल्यू निकाल लेना एक्चुअली एस ऐसे नहीं निकल पाएगा बड़ा कठिन सा फॉमला रूट है पता नहीं क्या क्या चीज़ें तो हम एस की वैल्यू रखते हैं एक बार वन बाई फाइव थोड़े रखेंगे देखेंगे मैच हो रहा है कि नहीं फिर एस की वैल्यू को चेंज कर कर करके कर रखेंगे एस की वैल्यू को चेंज करके रखेंगे तब तक जब तक वी नॉट के बराबर वैल्यू ना मिल जाए ठीक है ये मेथड बेकार इसलिए क्योंकि बेड स्लोप बहुत अजीब सी आ सकती है ग्राउंड से मैच नहीं करेगी बैट्स लोग अगर ग्राउंड से मैच नहीं करेगी तो बहुत ज़्यादा खुदाई करनी पड़ जाएगी जो कि दिक्कत की बात है ठीक है तो इस मेथड में ये प्रॉब्लम है बहुत सिंपल है वैसे एक क्वेश्चन देख लो तुमको समझ में आ जाएगा तुरंत ये क्वेश्चन देखो इस क्वेश्चन ने तुमको डिस्चार्ज दिया है बीवाई डी दिया है ढाई एम तभी बोल रहे थे एम वन पॉइंट वन दिया एम वन पॉइंट वन का मतलब क्या है कि यहाँ की जो मिट्टी है वो अपर बड़ी से कमेंट करो हम्म देखो ये मेथड ज़रूरी नहीं है दूसरा वाला ठीक है ये मेथड ज़रूरी नहीं है तो मत सुन लो क्या पता अगर कुछ बीच का आ जाए तो वैसे हमने हमने खुद नहीं पढ़ा था ठीक है ये फॉर्मला हम तो हमने बाद में याद कर लिए तो उनको पढ़ाते पढ़ाते हमको अपने टाइम जब पेपर दे रहे थे हम खुद ही नहीं याद रहता था समझ रहे हो हमारे हिसाब से तुम तो फॉर्मुला नहीं याद करो तो भी काम चल जाएगा ठीक है तो एक बस हम तुम मेथड समझ लो एक आइडिया ले लो काम चलेगा क्यों बी वाई डी दिया एम दिया है एन दिया है और आप बता चुके हैं सर हम लो लोग हमेशा इतनी मानेंगे लेकिन क्वेश्चन दे रखी है तो बहुत ही अच्छी बात है ठीक है सब दे रखा है हाँ कोर्स है तुमने सही बताया कमेंट हम देख पा रहे हैं तो सबसे पहले डेप्थ निकालेंगे ठीक है आपने बोला एरिया इंटू वेलोसिटी एरिया का फॉमला रखा सर और ये क्रिटिकल लॉसी का फॉमर रखा बी की जगह हमने ढाई इंटू डी रखा है ना बी की जगह ढाई इंटू डी रख ही लोगे सिंपल तो यहाँ से डी सॉल्व हो जाएगा अपना ठीक है इतना कर लोग हम यहाँ तक मान के चल रहे हैं डी निकल गया भाई पहला स्टेप डेप्थ निकालो ठीक है हाँ बिल्कुल सही अपर बड़ी दो आपसे कोर्स है अपना डी निकल जाएगा अपना यहाँ पे ठीक उसके बाद क्या करना है अब बताओ भाई क्या करना है यहाँ पे तुरंत हमारे पास डी आया सर हम विथ निकाल लेंगे डी को ढाई से इंटू करके तुरंत हमारी विथ निकल गई फिर विथ और डेप्थ हमको मिल गया तो हम एरिया और परिमीटर निकाल देंगे वही जो काम पूरा तुमको समझा रखा है पूरा एग्जाम्पल यहाँ पे है सेम ठीक एरिया परिमीटर आया तो अपना आर निकल के आ जाएगा यहाँ रखा हमने आर की वैल्यू आ रही है सर टू पॉइंट टू टू ठीक है भाई सिंपल एकदम सब सिम्पल यहाँ पे आर की वैल्यू टू पॉइंट टू टू आई अब हमने क्रिटिकल लॉसी निकाली और क्रिटिकल लॉसी को कटर बराबर रख दिया डेप्थ हमारी आई चुकी है डेप्थ और वेथ आ गई सर तो सब कुछ आई गया फिर कोई दिक्कत नहीं बस बेट स्लो बची हुई है अभी डेप्थ और वेथ आ गई है सर अल्टीमेटली एस बचा है बस बाकी तो दोनों चीज़ें हो ही गई हैं ठीक है तो विट्थ और डेप्थ तुमने एक एस्पेक्ट रेशियो में रख दी उसके बाद तुम स्लो प्रोवाइड कर दो कुछ भी जो चाहो यहाँ पे निकाल के तो वी को हमने वी नॉट बराबर करा तो वेलोसिटी यहाँ से वन पॉइंट थ्री फाइव बनाइए इसको रखा अंडर रूट आर एस रखा एन की वैल्यू पुट कर दी और आर की वैल्यू पुट कर दी वन फाई फाइव ये तुम्हारा सब रखा हुआ एस निकल के आएगा तो हमने यहाँ पे अब देखो ये फॉर्मूला बड़ा ख़तरनाक से बन गया है अब इस फॉर्मले में हम लोग एस की वैल्यू तुक्का लगा लगा के रखेंगे हमने यहाँ पे देखो अज्यूम डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ़ एस लिखा है ये इक्वेशन है फाइनली अज्यूम डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ़ एस एक बार तुम वन बाई थ्री थाउजेंड रखो तो वैल्यू आई देखो जब तुम यहाँ पे वन बाई थ्री सेवन रखोगे इस तरफ ये भयंकर कूड़ा बहुत भयंकर कूड़ा आ गया है तो वेलास्टिकली वन पॉइंट टू फाइव सेवन आई तो वन पॉइंट टू फाइव सेवन उसके बराबर नहीं है नॉट इक्वल टू तो वन पॉइंट थ्री फाइव वन देख रहे हो नहीं आया बराबर तो हमने चेंज किया चेंज करके आ गया मतलब यहाँ पर ट्रायल लगाना पड़ेगा ठीक है यहाँ भी ट्रायल लगाना पड़ेगा इसमें भी दिमाग खराब होगा कुल मिला के कैनेडी मेथड थोड़ा बहुत ट्रायल लगते हैं सर हमारा दिमाग हो जाता है ख़राब ठीक है इसलिए बड़ा बेकार है लेकिन अब क्या बताएं सर कैनेडी बड़ा ड्रॉबैक है सर यही यही सबसे बड़ा ड्रॉबैक है ठीक है अल्टीमेटली तुमको तुमने बेड स्लोप ट्रायल मार मार के अल्टीमेटली वेलोसिटी बराबर कर दिया और तुमने बताया कि भैया ये बेड स्लोप रखो ये विथ रखो ये डेप्थ रखो अगर विथ्थ वा डेप्थ का रही ढाई बना रहेगा तो भी प्रॉब्लम कम होगी ठीक अच्छा वेस्ट ऑर्डर में भी नहीं था वेस्ट ऑर्डर में कौन सा बड़ा फॉर्म अच्छा वो एक्ट्रेडिट प्रोसेस वाला है तो आसान है सब बहुत फिलहाल ये तुमको याद नहीं रखना तुम्हें क्या याद रखना वो बता रहे हैं ठीक है तुम ये याद रखो पहला वाला मेथड ये, पे पे, ये बताना चाह रहे हैं ये याद रखो ये या वाला एग्जाम्पल ठीक है कैनेडी का प्रोसीजर वन अपना याद रखो प्रोसीजर अन से तुम्हारे क्वेश्चन आने की संभावना ज़्यादा है ठीक है बी वाई डी रेशियो वाला इंपॉर्टेंट नहीं है तो दो प्रोसीजर हैं दो तो प्रोसीजर ना किसी भी तरीके से हम लोग अल्टीमेटली बी डी और एस को बता सकते हैं हम लोग लेकिन सर पहला वाला पढ़ेंगे अपने एग्जाम के लिए काम ख़त्म ठीक है और ये सब वैसे ज़्यादा नहीं आएगा चांसेस कम है फिर भी मैंने तुमको बता दिया है जो लोग बहुत एमबीशियस हों याद कर सकते हैं ठीक सर कैनेडी में ड्रॉबैक बहुत है सबसे पहला ड्रॉबैक जो मेरे मन में आ रहा है वो ये है कि इसमें दिमाग खराब हो जाता है ट्रायल एरर मेथड टुक्का लगा लगा के आंसर निकालना ये सबसे ज्यादा दर्द दे रहा है सर हमें हमारे हिसाब से नंबर वन ड्रॉबैक यही है समझ रहे हो हम्म वी इंक्रीज़ करने के लिए ऐसे इंक्रीज करना होगा देखो तुमने खुद सोचा साइंटिस्ट हो रहे हो तुम लोग एकदम हाँ तो ये सब खुद सोच लेना अब ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हैं उसके ऊपर क्योंकि संभावना बड़ी कम है ठीक है तो कुछ कैनेडी के ड्रॉबैक हैं एक आध दो हम लोग इम्पोर्टेंट बात कर लेते हैं एक आध दो हम लोग बात कर लेते हैं देखो कटर के अंदर कटर इक्वेजन में जो प्रॉब्लम थी मान लेते हैं कुछ के ड्रॉबैक थे तो वो सारे ड्रॉबैक कैनेडी में भी आ भाई कटर गए भाई कटर्स इक्वन जब बनाई गई इम्पेरिकल इक्जन थी तो उसमें कुछ ड्रॉबैक तो रहे होंगे वो ड्रॉबैक कैनेडी में चले आए ये अपना एक ड्रॉबैक हो गया सर वो ट्रायल एरर वाला कहाँ है ट्रायल एरर वाला ड्रॉबैक ही नहीं लिखा है इन्होंने ये अरे ये रहा दूसरा नंबर ये हमारे लिए सुपर हिट है सर ये हम भुगत के आए हैं तो हमारे दिमाग में सबसे ऊपर है कि ट्रायल एरर लगता है तो ये बहुत दिमाग ख़राब करता है ठीक है और इसने एक एवरेज रेजीम चैनल की बात करी जो कि आइडियल कॉन्सेप्ट है ठीक है रेजीम इतनी जल्दी अचीव नहीं होता है और सिग्निफिकेंस ऑफ बी बाई टी रेशियो इन्होंने बी बाई टी रेशियो लिया लेकिन उसकी सिग्निफिकेंस की बात नहीं करी कि बी आई टी रेशियो को अगर हम फिक्स करते हैं तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा चैनल में कैसे वो रजीम बनाने में हेल्प करेगा इसके ऊपर कोई डिस्कशन थ्योरी के अंदर नहीं हुआ है उसके बाद इन्होंने बेड स्लोप की कोई इक्वेशन नहीं दी थी। ठीक है और जो मिट्टी है ठीक है मिट्टी अपर बड़ी तो आपसे बड़ी है ऐसे थोड़ी कुछ पार्टिकल छोटे हो सकते हैं कुछ बड़े भी हो सकते हैं तो ये सब मतलब इन शॉर्ट बताना चाह रहे हैं कि जो सिल्ट चार्ज है ये जो मिट्टी का ग्रेड है उसको बढ़िया तरीके से कंसिडर नहीं किया गया है कुछ भी मनगण एक एम की वैल्यू चुन ली ये क्या है आर्मी मतलब कुछ भी अचानक से आपने एक एम की वैल्यू चुन ली उससे थोड़ी मिट्टी डिसाइड हो जाती है भाई एम के वेलो एक्जैक्टली बताया नहीं रहा कि मिट्टी एग्जैक्टली कितनी बड़ी है आप पार्टिकल का डायमीटर लेते तो चलिए मानते भी हम है ना तो कई सारे ड्रॉबैक्स ये उठाए गए ठीक है सिल्ट चार्ज समझ लो सिल्ट चार्ज मतलब कितना पानी के अंदर एक मीटर क्यूब पानी में कितनी सिल्ट है इसको हम लोग सिल्ट चार्ज बोलते हैं तो ये कई सारे ड्रॉबैक निकल के आए कि एम की वैल्यू पता नहीं कहाँ से आ गई ट्रायल लगता है बी बाई डी के बारे में कोई बात नहीं करी मिट्टी के साइज़ से किस तरीके से फ़र्क पड़ेगा उसके ऊपर कोई डिस्कशन नहीं हुआ है बेड्स लोग की इक्वेशन नहीं दी गई तो ये सारे कई सारे ड्रॉबैक्स हैं ठीक ड्रॉबैक हो गए बहुत सारे अब आते हैं लेसी बहुत इंपॉर्टेंट है जग जाओ बेटा सुन लो इसको ध्यान से एकदम लेसी हमारी अगली थ्योरी तो बताओ कैनेडी पसंद आई कि नहीं आई कमेंट करो एक मिनट का ब्रेक होगा पानी पी रहे हम लेसी पसंद कि नहीं तुम लोग को सॉरी कैनेडी पसंद कि नहीं आई कैनेडी से बहुत अच्छी लेसी है एक बार में आंसर आता है सीधे हमको तो लेसी पसंद है उसमें आंसर एक बार में निकल के आता है अच्छा सबको बेकार लगे हैं कैनेडी साहब कुछ भी कर दिए है। है। हैं बहुत बढ़िया देखो लो वहां लोग काम करके गए हैं हम लोग काम की सराहना भी नहीं कर पा रहे हैं। गलत हो रहा है इस सब मेरे समाज में कैनेडी जी की इतनी बड़ी बेचती नहीं होनी चाहिए YouTube में भरे समाज में आप लोग कैनेडी जी की बेजती कर रहे हैं ये अच्छी बात नहीं है अपने आप लोगों के शब्दों की मैं घोर निंदा करता हूँ बताओ कैनेडी जी, जी जो है सभ्य समाज के लिए खोज कर रहे हैं तुमको पसंद नहीं आ रही है कैनाल बना रहे हैं किसानों को भला कर रहे हैं तुमको पसंद नहीं आ रही है कड़े शब्दों में हम निंदा करते हैं तुम लोग की ठीक है चलिए लेसी साहब की जरा देखी जाए सर लेकिन सेमेस्टर एग्जाम में कैनेडी में तो प्यूरोमेरिकल आया था तो आता ही है यार तुम्हारे शब्दों की हम घोर निंदा करते हैं इतने महान आदमी का तुम कह रहे हो नो हैं शर्म नहीं आ रही तुमको इधर आ जाओ पहले जल्दी से तो लेसी आए जैसे तुमने निंदा करी वैसे लेसी ने निंदा करी लेसी बैग बेकार ये सब हमको नहीं पता क्या बोले लेसी लेसी बोले उनको हमको उनको, उनको बहुत ड्रॉबैक दिखाई दिए कैनेडी में तो उन्होंने कहा हम बताते हैं अब उन्होंने बोला हम बताते हैं अब तुम पीछे जाओ पीछे कि इनमें गैप भी बहुत था, था। जब कैनेडी जब रिटायर भी हो गए हैं तब लेसी उसके बाद बाद में डिपार्टमेंट संभाला है अच्छा बाद में डिपार्टमेंट बढ़ गया था पीडब्ल्यू और इरीगेशन अलग अलग हो गए थे ठीक है तो लेसी की जब बारी आई तब वो इरीगेशन डिपार्टमेंट थे यहाँ पे वो लिखा हुआ है लेसी जो है एक बहुत ही डोमिनेंट प्रोमिनट टाइप के समझ लो सिविल इंजीनियर थे यूपी एजुकेशन डिपार्टमेंट में ठीक है तब स्टेट भी पता है जैसे जैसे देश आगे बढ़ रहा है अपना समय मतलब आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे देश में अलग अलग स्टेट बनते चले जा रहे हैं नए नए राज्य बनते जा रहे हैं विभाग जो है डिवाइड हो रहे हैं डिवीजन बहुत ज़्यादा हुआ है बाद में हर चीज़ का चाहे स्टेट हो उसको डिवाइड किया गया है डिपार्टमेंट है वो डिवाइड हुए हैं ताकि काम प्रॉपरली हो पाए वर्क ब्रेकडाउन हो जाए जिससे एक तरह से ये कह सकते हैं ठीक है हाँ अच्छा ये बता रहे हो तुम लोग ये कमेंट तो बढ़िया लगा यार हमको ठीक ठीक है।, <laughs> है भाई कमेंट बढ़िया चल रहे हैं इस समय तो बता क्या रहे है? हाँ लेसी जी ने यूपी के इरीगेशन डिपार्टमेंट ने काफी लंबा काम किया काफी लंबे समय तक ये जो है काम इन्होंने किया और जब ये काम कर रहे थे तो इन्होंने क्या किया कि एलुवियम में इन्होंने स्ट्रेट रीचेज़ कंसिडर कर सेम काम स्ट्रेट रीच कंसिडर करी और वहाँ पर इन्होंने एक्सपेरिमेंट करा ठीक है और इन्होंने नई चीज़ें बताना शुरू करी एकदम अलग तरह की इन्होंने एकदम ही दिमाग लगा दिया भयंकर तरीका और हर तरह का फॉर्म दिया इन्होंने ठीक है उन्होंने बेड लोग को इन्होंने सब दिया तो पहले इन्होंने क्या डिस्कशन किया वो बात करते हैं इन्होंने बोला कि जब चैनल में कोई सिल्टिंग और स्कॉरिंग नहीं हो रही है ठीक है चैनल में कोई सिल्टिंग स्कॉरिंग नहीं हो रही है तब भी ऐसा हो सकता है कि चैनल रेजी में ना हो ये नई चीज साइंटिस्ट अलग चल रहा है मामला इनका है ये कह रहे हैं हम तो यही चाह रहे थे हम तो यही मर रहे थे कि सिल्टिंग स्कॉरिंग ना हो ठीक है अगर सिल्टिंग स्कॉरिंग ना हो रही हो उसके अलावा भी तब भी ऐसा हो सकता है कि वो रजीम कंडीशन में ना पहुंचा हो स्टेबल ना हुआ हो ठीक है लग रहा हो मैं बस तो इन्होंने इस बेसिस पे बोला कि हमारा चैनल के अंदर तीन रेजीम कंडीशंस होती हैं ठीक है रेजीम कंडीशंस तीन तरह की हो सकती हैं ठीक है इन्होंने बोला एक होती है फर्जी एक होती है ट्रू रेजीम एक होती है ट्रू रेजीम ठीक है ट्रू रेजीम का मतलब क्या होता है कि जब चैनल एक्चुअल में नाइदर सिल्डिंग नॉर ना स्कोरिंग हो जाएगा तो फाइनली ठीक है जब चैनल एक्चुअल में नाइदर सिल्डिंग नॉर ना स्कोरिंग हो जाएगा तो उस समय जो सिल्ड लोड कैनाल में एंटर कर रहा है वो उस पानी में ही तैरता रहेगा ठीक है और जो भी डिस्चार्ज आपका जा रहा है जो भी डिस्चार्ज सुन लो बहुत ध्यान से जब भी आप डिस्चार्ज लेके जाएंगे तो उस डिस्चार्ज के करस्पॉन्डिंग एक परफेक्ट एक शेप होगा फॉर अ पर्टिकुलर डिस्चार्ज एक हमारा यहाँ परफेक्ट शेप होगा किसका कैनाल का जो वो धीमे धीमे अपने आप अचीव करेगा और जब वो चैनल का शेप अचीव हो जाएगा कुछ समय बाद तो उसी को हम बोलेंगे ट्रू रेजीम और इस समय कैनाल में जितनी मिट्टी यहाँ तैर रही थी वो मिट्टी वहाँ तैरती रहेगी कोई भी ना स्कांग होगी ना मिट्टी नीचे बैठेगी जो भी इसका शेप है विथ है डेप्थ है स्लोप है सब कुछ कॉन्स्टेंट हो जाएगा कुछ समय बाद तब जो कंडीशन बन के आएगी उसको हम बोलेंगे ट्रू रेजीम ये ट्रू रजीम कुछ हद तक कैनेडी जैसा ही है कैनेडी जैसा ही है ठीक है कि भाई ना सिल्टिंग ना स्कॉरिंग ना अच्छा देखो उन्होंने सिल्टिंग स्कॉरिंग बताई लेकिन उन्होंने वहां पर विथ डेप्थ इन सब की बात नहीं करी यहाँ पर उन्होंने पूरा बताया ट्रू रजीम का मतलब एक्जैक्टली है क्या है वो जो हमने वहाँ पे तुमको बता दिया था जो उन लोगों को वहाँ बता दिया ना क्यू बी डी एस सेल डिचार्ज रिलेटेड सब कॉन्सटेंट होगा वो यहाँ पे है एक्चुअल में इन्होंने बताया पूरा गहराई से ठीक है तो इन्होंने बोला कि जब किसी एक पर्टिकुलर डिस्चार्ज के लिए एकदम पर्टिकुलर चीज़ें फ़िक्स हो जाए अपने आप वो शेप ले कर उस समय बाद तब तो हमारा चैनल ट्रू टूरिजिम में आ जाएगा ट्रू टूरिजिम का एग्जैक्टली मतलब क्या है देखो यहाँ पर है वो ट्रू टूरिज्म का एक्जैक्टली मतलब क्या है कि डिस्चार्ज ठीक है फ्लो यूनिफॉर्म का मतलब जानते हो क्या होता है तुमने यार पता नहीं उसे पढ़ी कि नहीं पढ़ी है लगता तो नहीं है तुम लोग की हरकतें देख के

पानी में तैर रही है उतनी रहेगी बैठेगी नहीं वो ठीक है सिल्ड चार्ज कॉन्स्टेंट सिल्ड ग्रेड मिट्टी का जो साइज़ है टाइप है वो सब कांस्टेंट रहेगा और चैनल जो है एक ऐसे मटेरियल फ्लो कर रही है जिसको जितनी आसानी से हम स्कावर कर सकते हैं उतनी आसानी से उसको हम डिपॉजिट भी कर सकते हैं और ये मिट्टी नॉन चिपकेबल है नॉन कोहेरेंट इनकोहेरेंट मिट्टी है ये ठीक है जो कि सेम ग्रेड की है क्लियर है ये हो गया एफ एम और स्ट्रक्चर है मज़ा नहीं आता पढ़ने में अच्छा जब समझ में आएगा तो बहुत मज़ा आएगा ठीक है हाँ इनका नाम जेराल्ड लेसी था और क्या कमेंट है बहुत बढ़िया तो ये हमारी गई ट्रू रेजीम अल्टीमेटली ट्रू रेजिम की बात यहाँ पे सारी लिखी हुई है तो अब लेकिन एक्चुअल में चैनल जो है ट्रू रेजीम में नहीं आ पाता बट यहाँ पे लिखा हुआ है कि चैनल एक्चुअल में ट्रू रेजी में नहीं आ पाता अब कंडीशन कभी एक साथ सेटिस्फाई नहीं हो पाती हैं बट इन प्रैक्टिस इट कैन नेवर हैपन तो चैनल आपका या तो इनिशियल या तो फाइनल रेजीम में होता है तो एक्चुअल चीज़ लेसी ने बोला कि ट्रू रेजीम जैसा जैसा कैडी बता के गए वैसा एक्चुअल में हो नहीं पाता अल्टीमेटली क्या होता है इनिशियल और फाइनल तो इनिशियल में क्या होता है ये आपकी फर्स्ट स्टेज या रेजीम की यहाँ ऐसा लगता है कि सिल्टिंग स्कॉरिंग नहीं हो रही है ऐसा लगता है ठीक है लेकिन ये एक्चुअल परफेक्ट कंडीशन नहीं है ये अल्टीमेट शेप नहीं है ये इनिशियल शुरुआत है और यहाँ भी माहौल थमा थमा सा लगता है लगता है ठीक है तो चैनल जब हमारा सर्विस में आता है तो उसके बाद इनिशियल स्टेज अचीव होती है इसमें होता है? क्या है सुन लो मैं यहाँ तुम समझाते हैं कहानी पूरी लिखी हुई है कि बी और डी आपस में एडजस्ट होते हैं बाकी तुम्हारा क्यू है डिस्चार्ज बेड स्लोप चार्ज सिल्ड ग्रेड ये सब कॉन्स्टेंट रहता है लेकिन बी और डी आपस में एडजस्ट होते हैं तो लिखा हुआ है कीपिंग डिस्चार्ज ये रहा सेल्ट ग्रेड ये रहा सेल्ट चार्ज ये रहा और बेड स्लोप ये रहा इनको कांस्टेंट रखते हुए ओनली हमारा यहाँ पे स्लोप और डेप्थ एडजस्ट होते है नीचे ही नीचे भाई ऊपर से विर्थ चेंज होती हुई दिखाई नहीं दे रही है तो हमें लग रहा है कि सब कुछ सन्नाटे में है विर्थ कट ही नहीं रही है ना पानी उस वर्थ को काट ही नहीं रहा है तो बेड स्लोप और डेप्थ हमारा यहाँ पर क्या होता है वेरी करता रहता है और चैनल हमारा स्टेबिलिटी अचीव कर लेता है लेकिन ये नकली है ये नकली है सर अभी जैसे ही थोड़ा मौका मिलेगा ना सर आगे ये तुरंत अपनी विर्थ को काट देगा ठीक है वर्थ को काट देगा लेकिन अभी डी और एस नीचे चेंज हो रहा है जो उसकी बेड स्लोप है जो बेड स्लोप है वो चेंज हो रही है डेप्थ भी चेंज हो रही है बेड स्लोप अगर बढ़ा देंगे तो डेप्थ कम हो जाएगी बेड स्लोप कम कर देंगे तो डेप्थ बढ़ जाती है ठीक है डेप्थ और स्लोप इन्वर्स होती है आपस में तो ये हमारी इनिशियल रजीम आ गई मतलब नीचे नीचे हो रहा है कुछ खेल ऊपर कुछ नहीं पता चल रहा ठीक है ऊपर कुछ नहीं पता चल रहा फिर हमारा क्या आ गया फाइनल रेजिम ये सब यहीं पर लिखा हुआ है यही बातें हैं जो हम तुमको बताइए अभी स्लोप ज्यादा होगी तो वेलोसिटी ज्यादा होगी तो डेप्थ कम होगी उस समय ठीक है और इस समय मिट्टी फिर बैठनी शुरू हो जाएगी जस्ट उल्टा होने लगता है फिर आ गया तुम्हारा फाइनल रेजिम ठीक है इसका मतलब तुम चाहो तो समझ सकते हो अगर तुम्हारी यहाँ पर स्लोप ज़्यादा है तो इतनी मिट्टी यहाँ से हट बैठने एक सैंड को क्या है यहाँ पर स्मॉलर है फ्लैट स्लोप है हाँ विट अगर कम है और स्लोप बहुत फ्लैट है स्लोप बहुत जेंटल है तो यहाँ मिट्टी बैठने लगेगी देखो मिट्टी बैठ रही है तो स्लोप अगर बहुत कम है तो मिट्टी बढ़ेगी यहाँ मिट्टी जमा होती जाएगी और स्लोप इंक्रीज़ होगी स्लोप इंक्रीज़ होगी तो वेलोसिटी इंक्रीज़ होगी और डेप्थ घटेगी ऐसा एडजस्टमेंट नीचे नीचे चलता रहता है ठीक है लेकिन विट चेंज नहीं होती विट अगर कम है तो विर्थ अगर कम है तो नीचे नीचे एडजस्टमेंट होगा और मिट्टी बैठने लगेगी विट अगर ज़्यादा है विट्थ ज़्यादा है और स्लोप बहुत ज़्यादा है अब क्योंकि वृथ्त बहुत ज़्यादा है स्लोप बहुत ज़्यादा स्लोप कम होगी कम कैसे होगी ये मिट्टी उखड़ जाएगी यहाँ से ये मिट्टी यहाँ से निकल जाएगी मिट्टी यहाँ से निकलेगी फिर स्लोप कम हो जाएगी डेप्थ बढ़ जाएगी ऑटोमेटिक यहाँ पर हमारी डिग्रेडेशन ऑफ सेल्ट होती है तो वृथ बहुत ज़्यादा है वर्थ बहुत कम है तो दोनों ही केस में हमारा डेप्थ और स्लोप नीचे नीचे एडजस्टमेंट करती हैं ठीक है मतलब कैनाल इनिशियली आप लेसी ही बता के गए कैनाल शुरुआत में अपनी विर्थ को चेंज नहीं कर रहा है अगर उसकी विर्थ चमत्कारी वर्थ से कम है तो सर मिट्टी यहाँ पे सेटल होने लगेगी और अगर उसकी विर्थ बहुत ज़्यादा है तो यहाँ पे मिट्टी कटने लगेगी मिट्टी यहाँ पे कटने लगेगी लेकिन नीचे डेप्थ और स्लोप एडजस्ट करेंगे बस विथ में कोई फ़र्क नहीं होगा लेकिन कुछ समय बाद जब चैनल चलता रहेगा कैनाल चलता रहेगा तो अल्टीमेट स्टेज आएगी फाइनल स्टेज आएगी फाइनल रिजिंग आएगा जब वो अपनी विर्थ को भी परमानेंट करेगा फिर वो अपनी विर्थ को भी एडजस्ट करेगा एंड में ठीक है तो फाइनली सर चमत्कार होगा जब रेजिस्टेंस ऑफ साइड जो बाजू में सर साइड्स हैं ये भी चेंज आ, ये साइड की रेजिस्टेंस टूट जाएगी और विर्थ तो उसकी बढ़नी होगी तो बढ़ जाएगी कम होने तो कम हो जाएगी विर्थ अगर उसकी कम होगी तो बढ़ जाएगी ज़्यादा हो जाएगी तो कम हो जाएगी ठीक है और फिर फाइनली आपका जो चैनल है वो अल्टीमेट शेप में आ जाएगा फाइनल स्टेज में आ जाएगा और आपका बी डी और साइड स्लोप बेड स्लोप सब कॉन्स्टेंट हो जाएगा फिर फाइनल रेजिम ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि ट्रू रेजिम जैसा है ऑलमोस्ट हंड्रेड परसेंट नहीं क्योंकि टूरिज्म तो एक आइडियल कॉन्सेप्ट है तो ऑलमोस्ट उसके जैसा है ठीक है ऑलमोस्ट उसके जैसा है ये बात हम लोग को समझनी पड़ेगी बहुत थ्योरी है एयरिगेशन को पता है ठीक है तुम लोग शायद थोड़ा बोर और भी हो रहे होगे कोई बात नहीं होते रहो अभी गेट में पढ़ना है तो आना ही है ना आना है तो ये सब पढ़ना ही पड़ेगा ठीक है सर उसके बाद देखो और क्या क्या बता गए हैं बहुत रायता फैलाएँ हैं ये इन्होंने कहा कैनेडी टूरिज्म को तुम्हें पसंद नहीं आ रही तुम टूरिज्म बता के गए हो सिर्फ रेजीम कंडीशन बता के हो हम लेकिन तुम्हें तो सही बताते हैं शुरू में व्रथ चेंज नहीं होती सिर्फ डेप्थ और स्लोप नीचे नीचे एडजस्ट होती है डिपेंडिंग की व्रथ कम है कि ज़्यादा है ठीक है और बाद में व्रथ एडजस्ट होती है फाइनल शेप में ठीक है तो इन्होंने क्या करा फाइनल रेजीम को एकदम अपने सर पर चढ़ा लिया लेसी ने और बोला फाइनल रेजीम हमारा जो चैनल का शेप है वो सेमी एलिप्टिकल होता है एलिप्टिकल जाते अंडा अंडे का आधा कर दो सेमी सेमीलिप्टिकल शेप होता है चैनल का एक्चुअल मेन के हिसाब से ठीक है कमेंट करो लेसी के हिसाब से चैनल का शेप क्या होता है कमेंट चाहिए भाई ठीक है सच अ चैनल इन विच ऑल वेरिएबल्स बी डी एस आर इक्वली फ्री टू वेरी हैज अ टेंडेंसी टू अज्यूम अल्टीमेटली वो कैसा हो जाएगा फाइनली सेमी एलिप्टिकल उसके अलावा तुम देखो बहुत कोर्स मिट्टी होगी मतलब थोड़े बड़े बड़े पार्टिकल यहाँ पे जब होंगे तो थोड़ा चौड़ा होगा और साइड स्लोप कम होगी लेकिन यही बहुत फाइन मिट्टी होगी तो चौड़ा कम होगा और उसकी साइड स्लोप बहुत क्या होगी स्टीप होगी ठीक है बहुत स्टीप होगी देख लो इसको ठीक है याद कर लो फाइन सिल्ट में साइड स्लोप बहुत ज़्यादा हो सकती है बहुत स्टीप हो सकती है लेकिन कोर्स में इतनी स्टीप स्लोप नहीं हो पाएगी मिट्टी तुरंत गिर पड़ेगी तो कोर्स सिल्ट की साइड स्लोप कम रहेंगी ठीक है फाइनली ऐसा शेप देखने को मिलता है ये कोर्स के लिए ठीक ये मीडियम के लिए और ये हमारा फाइन के तीनों में इलेप्टिकल है ये हम लोग को याद करना है ठीक है आसान है बहुत सिंपल अब लेसी ने क्या किया सबका फॉर्मूला बना दिया सीधे सीधे है। लेसी जो भैया थे बहुत खतरनाक खिलाड़ी थे एकदम इन्होंने क्या करा सबका बना दिया फॉर्मूला समझ रहे हो सबका फॉर्मूला बना बैठे हैं अब ये सब फॉर्मूला तुम लोग कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करना शुरू करो ठीक है एक इम्पॉर्टेंट बात अब इन्होंने जितने फॉर्मूले दिए इसका डिज़ाइन समझा बहुत सिंपल सा है एकदम सिंपल सी बात है चैप्टर फिर अपना समाप्त हो जाएगा ठीक है ज़्यादा उसमें कुछ खास बचा नहीं है बहुत ध्यान सुनो बात हमारी इन्होंने जितने फॉर्मूले दिए क्या वो ट्रू के लिए हैं फाइनल के लिए हैं या इनिशियल के लिए हैं कमेंट करता हूँ मान जाए इन्होंने बहुत सारे फॉमले दिए अब तुम बताओ ये जितने फॉर्मलेम लगाएंगे क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे तुम्हें हम ठीक है ये फॉमले इन्होंने किसके लिए दिए होंगे इनिशियल के लिए ट्रू के लिए फ़ाइनल के लिए तुम्हारे पास कॉन्सेप्ट तो है अभी बताओ ये सब कॉन्सेप्ट ये सब जो फॉर्मले दे रहे हैं किसके लिए दे रहे हैं तुम लोग बोल रहे हो फाइनल के लिए अच्छा और बताओ बाकी लोग भी जरा कमेंट कर दो यार हम्म बाकी लोग भी कमेंट करें फाइनल कर दिए हैं बिल्कुल सही है अच्छा तुम बताओ क्या ये फॉर्मूले ट्रू में लग सकते हैं क्या ये फॉर्मूले ट्रू ए में लग सकते हैं मान लीजिए कोई चमत्कारी तरीके से ट्रू एच में पहुंच गया एकदम हंड्रेड परसेंट सही हो गया मतलब उसमें सर कुछ चेंज ही नहीं हो रहा है एकदम कुछ चेंज ही नहीं हो रहा है उसमें क्या उसमें लग पाएगा क्या उसमें लग पाएगा कि नहीं लग पाएगा ये बताओ लग पाएगा ना है ना अप्रोक्सीमेटली वही बात है भाई नाइनटी वाइन पॉइंट नाइन और हंड्रेड में फर्क क्या है ऐसा समझो तो एक्चुअल जो फॉर्मले इन्होंने दिए हैं वो फाइनल और ट्रू रेजिम दोनों के लिए वैलिड है ठीक है लेकिन एक्चुअल प्रैक्टिस में अगर हमसे कोई पूछा जाए कि हमारा एक्चुअल कैनाल फाइनली कहाँ पहुँच पाएगा तो हम बोलेंगे वो फाइनल रेजिम में पहुँच पाएगा जहाँ पर जब उसकी विर्थ मतलब कह सकते हैं साइड स्लोप की रेजिस्टेंस खत्म होगी तो विर्थ उसकी फाइनल शेप में आ जाएगी विर्थ तो उसकी फाइनल शेप में आ जाएगी ठीक है हाँ जो लोग कमेंट करेंगे वो बहुत आगे जाएंगे बिल्कुल सही बात है ये है हमारे साथ पता तो नहीं कि ऐसा है कि हम ऑफलाइन में जब पढ़ाते तो हमको जब तक सामने से आवाज़ नहीं आती तो मज़ा नहीं आता है समझ लो हम चाहते हैं कि एकदम दिमाग में बातें चली जाए अच्छे से तो बिना इंट्रैक्शन के थोड़ा मज़ा कम रहता है तो इसलिए कमेंट तुम लोग किया करो है ना हमें लगता रहेगा कि तुम लोग समझ में आ रहा है ऐसे बनने में मज़ा नहीं आता इतना है कि नहीं ठीक है सर फॉमले देखते हैं इन्होंने वेलोसिटी का फॉर्मला दिया क्यूफ स्क्वायर अपॉन एक सौ चालीस पावर वन बाई सिक्स सिल्ड फैक्टर का एक फॉमला दिया एफ इजिक्वल देखो वो भाई साहब कैनेडी जो हैं सीधे एम बता के निकल लिए थे सीधे यहाँ देखिए सर मामला मस्त एकदम जबरदस्त मतलब यहाँ पे जो पार्टिकल साइज़ डी है उसको एम एम में रखा जाएगा और उससे हमारा सेल्ड फैक्टर निकलेगा एफ एफ को बोलते हैं एफ फोर कौन सा फैक्टर एफ फोर क्या हो गया अपना सेल्ड फैक्टर तो यहाँ बढ़िया है कैनडी से मामला बढ़िया है क्योंकि सर इन्होंने पार्टिकल का साइज़ कंसिडर तो किया वहाँ तो बड़ा था छोटा था तो, तो कुछ भी ऐसा थोड़ी कुछ कुछ उन्होंने बताया ही नहीं है थ्योरी के अंदर कुछ बताया ही नहीं है समझ रहे हो गलत चीज़ थी ठीक है तो यहाँ पे एफ़ की वैल्यू बढ़िया से दे रखी है इस एफ़ के हिसाब से और क्यू के हिसाब से हमारी वेलोसिटी निकल के आ जाएगी चैनल की ठीक है हाइड्रोलिक मीन डेप्थ का उन्होंने फॉमला दे दिया आर वी स्क्वायर बाई एफ़ इन टू ढाई फाइव बाई टू एरिया तुमको पता ही है वेट हाँ ये नई चीज़ है वेटेड पेरीमीटर क्या दिया इन्होंने पी इज इक्वल टू फोर पॉइंट सेवन फाइव हंड्रोड क्यू ठीक है फोर पॉइंट सेवन फाइव हंड्रोड क्यू दिया हुआ है यहाँ पे अब देखो ये एक्चुअली क्या सेमी लिप्टिकल है ये जो होता है इसी को तो वेटेड पेरीमीटर बोलते हैं पानी जिस लाइन को भिगोता है इसी को बोलते हैं अरे बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं यही तो है यही है अपना वेटेड पेरीमीटर ठीक है बहुत चौड़े चौड़े जो चैनल्स होते हैं उसमें जो वेटेड पैरीमीटर होता है और जो विड्थ होती है वाटर वे की वो सेम हो जाती है ऑलमोस्ट तुम यहाँ देख सकते हो कि ये जो विड्थ है और ये जो हमारी ये बैठेड पेरीमीटर और ये हमारा विथ है ये ऑलमोस्ट सेम होगी अगर चैनल बहुत चौड़ा है तो ठीक है तो विथ ऑफ तो वाटर पर ऑलमोस्ट पी के बराबर ले जाता है जब बहुत चौड़ी चौड़ी नदियाँ रहती हैं ठीक है तुमने तो देखी होंगी कुछ चौड़ी नदियाँ चलो कुल मिला के फॉर्मले याद करने हैं सर हम लोग को सब लोग जरा कमेंट करो ये फॉर्मला कमेंट करो जल्दी करो जल्दी कमेंट जल्दी कमेंट करो फटाफट कमेंट करेंगे वी इज इक्वल टू क्या भाई क्यू ऑफ स्क्वायर देख लें सर जरा आप सौ चालीस पावर वन बाय सिक्स ठीक है फिर पैरिमीटर बताओ ये बताओ भाई P इज इक्वल टू फोर पॉइंट सेवन फाइव हंड्रेड रूट क्यू बहुत ज़रूरी फॉर्मूला P हो गया V हो गया हाँ कुछ लोग तो कमेंट कर भी दिए यार बहुत बढ़िया Q एफ स्क्वायर अपॉन एक सौ चालीस की पावर वन बाय सिक्स हो गया P इज इक्वल टू फोर पॉइंट सेवन फाइव हंड्रेड रूट क्यू हो गया आखिरी में बेट स्लोप तो उन्होंने ये तीन चार फॉर्मूले अपने दे डाले उसके अंदर उन्होंने एक फॉर्मला और जबरदस्त दिया बहुत ज़बरदस्त फॉमूला देखो इन्होंने दिया स्काउट डेप्थ का फॉर्मला स्काउट डेप्थ का मतलब क्या थोड़ा समझेंगे मान लो यहाँ मिट्टी थी ठीक है हमने यहाँ पे बहुत सारा पानी छोड़ दिया तो जैसे ही तुम यहाँ बहुत सारा डिस्चार्ज छोड़ोगे थो तो ये मिट्टी खुदने लगेगी और यहाँ पे पानी ये यहाँ से मिट्टी हमारी खुदाई शुरू हो जाएगी और पानी मिट्टी को कट कर देगा समझ रहे हो बात तो कितनी डेप्थ तक कट कर देगा कितनी डेप्थ तक सर यहाँ पे कट कर देगा इस डेप्थ को ही क्या बोलते हैं कमेंट करो सर आपने मिट्टी में डिस्चार्ज छोड़ दिया बहुत सारा ठीक है भाई मिट्टी में आपने डिस्चार्ज थोड़ा पानी थोड़ा बहुत सारा तो वो पानी जगह बनाएगा मिट्टी को कट करेगा तो कितनी डेप्थ तक खुदाई करेगा उसे हम क्या बोलते हैं कमेंट चाहिए भैया हमें उसे क्या बोलते हैं हम लोग स्काउट डेप्थ बोलते हैं ठीक है हाँ इरोडेड डेप्थ भी बोल सकते हैं एक तरह से बिल्कुल सही है वेरी गुड समझ में आई बात तो लेसी ने बताया कि जो आपकी स्काउट डेप्थ का फॉर्मूला है ठीक है वो है वन पॉइंट थ्री फाइव क्यू स्क्वायर बाई एफ़ की पावर वन बाई थ्री एफ हमारी मिट्टी वही सेल्ट फैक्टर अभी बात हुई है और क्यों होता है डिस्चार्ज पर यूनिट विथ ठीक है अगर यहां लिखा हुआ है कि तो ये फॉर्मूला लगेगा और कोई ऐसी नदी जब वो रेजीम विथ के बराबर नहीं है तो हम लोग नॉर्मल स्कॉट इस तरीके से निकालेंगे और जनरली ऐसा होता है कि हमारी जो नदी होती है वो रेजीम वर्थ के बराबर नहीं होती जनरी तो हम लोग ये फॉर्मूला बहुत कॉमनली यूज़ करते हैं ये गेट में पूछा सकता है ठीक है अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है तुम आगे जब कभी एम वगैरह करोगे या मान लो कभी डिपार्टमेंट जाके कुछ डिज़ाइन वगैरह करोगे आगे भविष्य में इंजीनियर तो बनना ही है भाई काम तो करना ही पड़ेगा कुछ ना कुछ तो तुम देखना पुल डिज़ाइन करो ठीक है तो मान लो और क्या डिज़ाइन कर सकते हो मान लो तुमको लॉन्चिंग अपने डिजाइन करना है तुमको सीट फाइल डालनी ना दी हमें फ्लड फाइटिंग वर्क्स तुम वहाँ पर फ्लड से फाइटिंग कर रहे हो मान लो है ना तो वहाँ स्ट्रक्चर वगैरह बनाने पड़ते हैं कुछ भी करो कुछ भी तुम कुछ भी करो हर जगह तुम देखना है ये स्काउटअप के फॉमले बहुत काम आएंगे क्योंकि नदी में हमको देखना है डिस्चार्ज के हिसाब से वो कितनी खुदाई कर देगा वहाँ पे और उससे नीचे जाके हम प्रोटेक्शन लगाएंगे उससे नीचे जाके हम प्रोटेक्शन करेंगे मान लो वो एक मीटर खुदाई कर पा रहा है तो हम दो मीटर तक अपने पिलर को लेके जाएंगे है कि नहीं ताकि सेफ रहे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है अच्छा पूनम जी पूछ रहे हैं रेजीम वर्थ क्या होती बहुत बढ़िया सवाल आया है एकदम इंटरनेशनल ये है ये जो विथ है विथ्थ ऑफ वाटर भी यही रजिंग विथ है मतलब चैनल जब कांस्टेंट हो जाता है कुछ टाइम बाद तो जो उसका वेटेड पेरिमीटर होता है उसी को हम लोग ऑलमोस्ट रजिंग विथ मान लेते हैं उसी को ठीक है चौड़े चैनल की विथ जो है या पेरिमीटर ऑलमोस्ट सेम मानते हैं हम लोग वही रजिंग विट है ठीक है चलो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है अब हम लोग आते हैं डिज़ाइन प्रोसीजर है बहुत सिंपल प्रोसीजर है सिंपल प्रोसीजर से पहले हम लोग एक क्वेश्चन कर लेते हैं ये स्काउर पर यार ये बहुत इंपॉर्टेंट है पता नहीं इसमें है भी कि नहीं है होना चाहिए यार बिना इसके तो सब बेकार है जीवन ही बेकार है इसके बिना पूरा जीवन अधूरा है अरे आ जाओ यार अब तो आ जाओ नहीं है लग रहा है एस पी में चलो में नहीं कोई बात नहीं एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं जरा सब लोग निकालेंगे फटाफट एक क्वेश्चन हम तुमको दे रहे हैं सॉल्व कर लो लगे हाथों तो। लिखो एक क्वेश्चन एक नदी है सौ मीटर चौड़ी है मान लेते हैं इससे भी चौड़ी नदियाँ होती हैं एक नदी है सर सौ मीटर चौड़ी है। उसके अंदर डिस्चार्ज आ रहा है सर वो जा रहा है फोर फिफ्टी मीटर की ऊपर सेकंड सर बाप रे बाप बहुत ख़तरनाक नदी है सर और जो उसका एफ है वो वन मान लो सील्ड फैक्टर वन मान लो जरा उसकी स्काउट डप निकाल दो और सर ये जो नदी है क्वेश्चन मार्क सबको एक मिनट का समय दे रहे हैं जल्दी से आंसर बता दूँ ठीक है बताना ही चाह रहे हैं कि सर ये जो नदी है इसकी जो विथ है वो आपकी रेजिंग विथ के बराबर नहीं है ठीक है जल्दी से निकाल दो देखें क्या निकालोगे तुम लोग हैं सबसे पहले तो हम लोग को डिस्चार्ज पर यूनिट निकालना पड़ेगा साढ़े चार सौ सौ मीटर में हो रहा है तो एक मीटर में कितना डिस्चार्ज होगा साढ़े चार का सौ का डिस्चार्ज सौ मीटर में है तो एक मीटर में कितना होगा बता दो जल्दी से साढ़े चार डिवाइड करेंगे है ना क्यों निकालेंगे पहले तो क्यूँ स्मॉल क्यू हमारा साढ़े चार आ रहा है ठीक है उसका स्क्वायर करो फिर अपॉन एफ करो फिर पावर वन बाय थ्री कर दो कितना आ रहा है सबका कमेंट करो जल्दी थ्री पॉइंट सिक्स सेवन नाइन आ रहा है बहुत अच्छी बात है ये एक क्वेश्चन हो गया गेट का तुम्हारा ठीक है ये गेट का एक क्वेश्चन हो गया बिल्कुल सही निकाला है तुमने यहाँ पे हम लोग स्मॉल क्यू निकालेंगे कैसे साढ़े चार सौ बाई सौ करके डिस्चार्ज अपॉन पर डिस्चार्ज पर यूनिट वीट होता है साढ़े चार सौ मीटर का डिस्चार्ज हमारा मीटर क्यूब पर सेकेंड डिस्चार्ज सौ मीटर में है तो एक मीटर में कितना होगा साढ़े चार ठीक है इसका होल स्क्वायर कर देंगे पूरे का अपॉन एफ की पावर वन बाय थ्री तुम लोग थ्री पॉइंट सिक्स वन बता रहे हो मान के चलने बहुत तेज हो तो जब साढ़े चार सौ मीटर क्यूब का डिस्चार्ज फ्लो हो रहा होगा सोचिए सौ मीटर से तो नदी की गहराई कितनी होगी कि मैक्सिमम गहराई बताओ एकदम बीचों बीच जाके नदी की मैक्सिमम गहराई एकदम बीचों बीच जाके थ्री पॉइंट सिक्स मीटर होगी इस फॉर्मूले के हिसाब से समझे कुछ दिमाग में गई बात बात गई दिमाग में चली गई सर आप बोलने चली गई बहुत तेज़ दिमाग में गई एक क्वेश्चन तैयार हो गया गेट का चलिए आगे बताइए अब समझ में आ गई बात स्कॉटेप की बढ़िया से कोई दिक्कत नहीं है फिर आपने सर यहाँ पता नहीं क्या क्या फॉमला याद करा दिया है ज़रा स्टेप बताइए अब कि आखिर लेसी महाराज ने कैसे डिज़ाइन किया डिज़ाइन का मतलब क्या है कि हमको कैनाल का विर्थ डेप्थ और स्लोप निकालना है तो लेसी ने सीधा फॉर्मला दिया सबका सीधे के सीधे कोई सोचना ही नहीं कुछ इस स्टेप को देखो इस प्रणाली को हम लोग समझेंगे लेसी जी की डिज़ाइन प्रणाली को हम लोग समझेंगे बहुत सिंपल है कुछ नहीं करना है ऊपर हेडिंग पढ़िए डिज़ाइन प्रोसीजर फॉर लेसी थ्योरी बहुत सिंपल इसको ऐड करो ठीक है इसका नाम है एफ वैप बी डी एस ये एफ हो गया देखो एक्चुअल में क्या है अगर आ, अच्छा देखो क्वेश्चन में क्या क्या, क्या दिया रहेगा जहां से हमारी डिजाइन डिस्चार्ज पास होगी वहां की मिट्टी का डायमीटर पार्टिकल है ना एवरेज साइज साइड स्लोप जनरली तुमको हम बता ही चुके हैं पॉइंट फाइव हॉरजोंटल यही लेते हैं जनरली ठीक है जनरली यही लेते हैं क्यू क्वेश्चन में दिया रहेगा सब दिया रहेगा ठीक है थीके? ये तीन चीज़ें जनलिए हमको क्वेश्चन में दी रहेंगी आगे बढ़ते हैं हम लोग अब सबसे पहले हम लोग जो हमको पार्टिकल डायमीटर दिया रहेगा उससे हम लोग एफ़ निकालेंगे ये फॉर्मले से या नीचे हमने फॉर्मले लिख दिए ताकि और आसानी हो जाए तुम्हारे लिए समझना ठीक है स्टेप नंबर वन आप सिल्ड फैक्टर निकालिए लेकिन कभी कभी मोस्टली तुमको क्वेश्चन जब मिलेंगे तो तुम देखोगे उस क्वेश्चन के अंदर तुमको एफ डायरेक्ट दिया हुआ है मोस्टली तुम क्वेश्चन देखोगे तो एफ तुमको डायरेक्टली दिया रहेगा ठीक है डायरेक्ट दिया रहेगा तो ज़्यादा उसमें दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा तुमको ठीक है ओके सर फिर आपका फिर आपको निकालना पड़ेगा वी कैनेडी ने फॉर्मूला दिया है क्यू एफ स्क्वायर अपॉन एक सौ चालीस बार वन बाई सिक्स क्यू एफ स्क्वायर अपॉन एक सौ चालीस वन बाई सिक्स ठीक है क्यू अपना क्वेश्चन दिया है एफ हमने जस्ट अभी निकाला यहाँ पुट किया दिमाग लगाया लगा नहीं लेकिन लगा दिया दिमाग हमने वेलोसिटी निकल के आ गई इसको याद कैसे करना है एफ वैप ठीक है एफ वैप करके याद कर लिया फिर एरिया निकाला एरिया कैसा डिस्चार्ज अपॉन वेलोसिटी निकाला हमने एरिया आ जाएगा फिर पेरीमी निकाला फोर पॉइंट सेवन फाइव हंड्रेड क्यू मतलब इन्होंने हर चीज़ का इंपेरिकल दे दिया है ठीक है अब देखो एक बात समझो एरिया का एरिया हमको मिल गया है और पेरीमीटर भी हमको मिल गया है और एरिया का फॉर्मूला सर ये होता है पेरीमीटर फॉर्मूला ये होता है तो हमारे पास एरिया पेरीमीटर दो इक्वेजन है इन दोनों इक्वेजन को साइमलाइन सॉल्व करेंगे सॉल्व करेंगे और हम यहाँ पे बी और डी की वैल्यू निकाल लेंगे ठीक है यहाँ से बी निकाल लो उठा के यहाँ रख दो तो तुमको बी मिल जाएगा बी और डी दोनों मिल जाएगा साइमल्टेनियस लेकिन मान लो अगर तुमको साइमल्टेनियस लाइन करने में दिक्कत हो रही है जो होती है जनरली ठीक है तुमको दिक्कत हो रही है साइमल्टेनियस सोल्व करने में तो तुम यहाँ से बी और डी निकाल लो इन फॉर्मूले से देखो ध्यान से देखो पहले डेप्थ निकालेंगे पी देखो एरिया परमीटर मिलकर तुम चाहो तो उसकी बेसिक क्वेश्चन लिखो बी और डी सॉल्व कर लो साइमल्टेनियस थोड़ा सा लेंथी प्रोसीजर है बहुत लेंथी तो नहीं है थोड़ा सा लेंथी है या तो हम लोग सीधे डेप्थ और विड्थ का फॉर्मुल निकाल देंगे क्योंकि इसी को जब क्वाड्रेटिक क्विजन धराचार्य फॉमूला सुना होगा तुमने है ना उसी को लगा लगा के हम लोग ये निकालते हैं अभी तुम देखोगे बहुत आसान हो जाएगा सर तो डेप्थ का फॉर्मूला सर अपना क्या है पी पैरीमीटर माइनस अंडर रूट पी स्क्वायर माइनस सिक्स पॉइंट नाइन फोर फोर ए लेकिन हाँ एक चीज़ और सुन लो ये फॉर्मूला सिर्फ तभी है जब हमने यहाँ पे साइड स्लोप को पॉइंट फाइव मान रखा है उसी हिसाब से वैल्यूज एडजस्ट हुई हैं सारी यहाँ पे साइड स्लोप को हमने पॉइंट फाइव रख दिया तब हमने क्वालिटी बना के ये निकाला है ठीक है हाँ हमेशा नहीं लगेगा याद रखना क्वेश्चन पढ़ लें ना पता नींद में है पता चला वहाँ पे एस जो है पॉइंट सेवन फाइव दिया है कहे नहीं सर तो फॉर्मूला रटाए थे ए लग के चले आए ये बात सुन लो यहाँ पहले एस को पॉइंट फाइव रखेंगे और तब ए और पी से सामने सॉल्व करके ये एक भी जानाती थी हैं ठीक है तो कन्फ्यूज मत तो जाना इसमें अपॉन थ्री पॉइंट फोर सेवन टू और फिर डी आ जाएगा डी को यहाँ रख के पी रख के बी निकल जाएगा और एंड में बैट स्लोप निकल जाएगी तो लेसी ने कुल मिला के सर हर चीज़ का फॉर्मूला दे दिया लेसी ने कुल मिला के हर चीज़ का दे दिया फार्मूला आप सब लोग जो है कैलकुलेटर उठा लेंगे और कैलकुलेट करना शुरू करेंगे ठीक है चलो भैया कैलकुलेटर उठाओ जल्दी से फटाफट फटाफट कैलकुलेटर उठाओ एकदम रूट्स निकालने के ऑल्टरनेट ऑप्शन ये हैं हम तुम्हें क्वेश्चन दोनों तरीके से करके दिखा देते हैं अभी ठीक है साथ चलते हैं क्वेश्चन आ रहा है सर इसको याद कर लो हाँ हमारे साथ बोलना जरा एक बार एफ वैप बी डी एस आखिरी बी डी एस एक साथ निकलता है ठीक है हमको बी डी एस ही निकालना होता है अल्टीमेटली कमेंट करो एक बार एफ वैप बी डी एस अब आएगा क्वेश्चन कमेंट करेंगे वो पहले जल्दी से ठीक है अच्छा बहुत सिंपल लग रहा है तुमको शिव के पास ये कमेंट करने का टाइम है कि सिंपल बहुत है और जो हम बता रहे हैं कमेंट करने के लिए वो तुमसे कमेंट नहीं हो पा रहा है हमने क्या बोला है कमेंट करने के लिए एफ़ वेप बी डी एस याद करो पहले बस डायरेक्ट निकालें इसमें कोई ट्रायलर नहीं है कोई लफड़ा नहीं है बहुत सिंपल काम है ठीक है बहुत सिंपल काम है सर एकदम हम यहाँ पे लगाएँ क्वेश्चन आंसर निकालेंगे तो ठीक है सर इस क्वेश्चन के अंदर देखिए क्या लिखा हुआ है डिज़ाइन अ रिजीम चैनल फॉर डिस्चार्ज थर्टी फाइव अच्छा ओके अच्छा हमको बात बताओ पहले एक बात हो हमारा डिस्चार्ज पैंतीस मीटर की पर सेकेंड है बताओ कौन टाइप की कैना है ये ये ब्रांच है डिस्ट्रीब्यूटरी है क्या है कोई बता सकता है कुछ कोई आइडिया लग रहा है तुम्हें कुछ है फिर बोल रहा है सर सिल्ट फैक्टर पॉइंट नाइन है सिल्ट फैक्टर डायरेक्टली दे दिया और मजा है जीवन में इन्होंने डायमीटर ना देके डायमीटर देते तो वन पॉइंट सेवन सिक्स हंड्रेड डी करना पड़ता इन्होंने सीधा एफ दे दिया डी दे दिया है तो एफ एफ देते तो डी मत निकालने लगना उल्टा नहीं जाते हैं ठीक है एफ इन्होंने डायरेक्टली दे दिया पॉइंट नाइन फिर उन्होंने दी है साइड स्लोप कितनी अच्छा साइड स्लोप इन्होंने थोड़ी सी अलग दे दी वन हॉर्जोनटल यहाँ देखो टू वर्टिकल लेकिन ये वन होना चाहिए तो दोनों तरफ टू से डिवाइड कर देंगे दोनों तरफ टू से डिवाइड कर देंगे तो एस की वैल्यू कितनी होगी पॉइंट फाइव अब एस की वैल्यू पॉइंट फाइव है तो हमने जो शॉर्टकट तुमको बता रखा है वो लग जाएगा यहाँ पे ठीक है जो फॉर्मूले में रटे हुए हैं पीछे वो लग जाएंगे बी और डी के वरना नहीं लगते वरना नहीं सब लोग मेन बता रहे हैं तो बढ़िया सोचा है तुमने हाँ मेन कैनाल और ब्रांच जैसा होगा ये ठीक है मेन और ब्रांच जैसा होगा बिल्कुल सही ब्रांचेज में भी पैंतीस का डिस्चार्ज तुमको बहुत कॉमनली देखने को मिलेगा मेन में, में तो और ज़्यादा रहता है असलियत अगर तुमको बताएं यूपी में हम रहते हैं तो यूपी के कैनाल्स का तुमको आइडिया भी थोड़ा बहुत ठीक है बहुत सारा पानी रहता है तुमको जैसे अपर गंगा कैनाल की बात बताएं ठीक है अपर गंगा कैनाल का जो डिज़ाइन डिस्चार्ज है वो कम से कम मान के चलो बारह पंद्रह हजार ऐसे होता है समझ रहे क्या पैंतीस पैंतीस है भयंकर अपर गंगा कैनाल वो वो भी सोचो अभी नहीं बनी है ब्रिटिश की सबसे पहली नहर पूरे इंडिया की सबसे पहली कैनाल थी वो और डिस्चार्ज देखो उसमें कितना था हालांकि वो लाइन कैनाल है ठीक है उस समय सोचो लाइन कैनल बनाई गई थी देख हो ब्रिटिशर लोग थे लेकिन बहुत कलाकार जो काम हम लोग आज के समय नहीं कर पा रहे हैं मतलब कर सकते हैं ऑब्वियसली ठीक है वो काम वो लोग जो है उस समय एकदम दिमाग ला कर गए हैं वो भी हम लोग को लूटने के चक्कर में सोचो लूटने में एक्सपर्ट कितने थे चलो भाई तो बता क्या रहे हैं क्वेश्चन पे आ जाओ इधर बहुत भयंकर डिस्चार्ज हाँ तो दोनों बहुत सही बताया ये सब दिया गया हाँ। सबसे स्टेप नंबर एफ एफ तो सर डायरेक्टली दिया है तो हम वी ए पी निकालेंगे ठीक है तो पहले हमने वी निकाला चलो वी निकालो देखो कितना आ रहा है चलो वी कमेंट करो वी कमेंट करो कितना आ रहा है जल्दी जल्दी रखो फटाफट आंसर दिख तो नहीं रहा वी बताओ कितना है दिख तो नहीं रहा आंसर हम्म चलो वी बताओ कितना आ रहा है क्यू एफ स्क्वायर की अपॉन एक सौ चालीस ये देखो फॉर्मुले याद करना है बहुत इंपॉर्टेंट है तुम हम सही बता रहे हैं कैनाल डिजाइन में मतलब यही तुम ये मान के चलो कि आज की क्लास के फॉर्मुले डायरेक्टली एग्जाम में आ सकते हैं कैनाल डिज़ाइन इसके आज जो चैप्टर में ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है समझ रहे हो गेट पॉइंट ऑफ व्यू से चलो आया सबका पॉइंट सेवन सिक्स सिक्स बहुत बढ़िया चेक करेंगे अब देखो चेक हम लोग कैसे करेंगे ये देखो टेंट टन पॉइंट सेवन सिक्स सिक्स मैच हुआ सही बहुत बढ़िया अब निकालो हाइड्रोलिक मीन रेडियस ये इसकी ज़रूरत तो है नहीं यार ये पता नहीं कहाँ निकाला है इसको इग्नोर मारो एक्चुअली हमने इसलिए निकलवा दिया ताकि फॉर्मला याद हो जाए ताकि फॉर्मले याद हो जाए है ना निकाल लो यार फॉर्मले याद करने तो एक बार निकाल लो कोई बड़ा काम नहीं है ठीक है एक मिनट लगेगा बस आर इज इक्वल टू फाइव बाई टू वी स्क्वायर बाई एफ निकाल लेंगे सर ठीक है <coughs> हम्म बताओ आर निकालो जल्दी फाइव बाई टू वी स्क्वायर बाई एफ आओ भाई टेंट अटेंट करें ज़रा देखें कमेंट करो कितना आ रहा है सर आप फेवरेट फैकल्टी हैं यूपी में कहा रहते हैं यूपी मीडिया लखनऊ में रहते हैं आई विल डेफिनेटली मीट यू बिल्कुल पेपर एपर निकालो फिर मिलने आओ कोई दिक्कत नहीं है कई बच्चे हैं जो हमसे मिलने आ चुके हैं ठीक है और बहुत समय ले लेते हैं एक ही घंटा उनको समझाना पड़ता है मतलब मेनली लोग कुछ लोग ऐसे आते हैं जो जिनके पास बहुत सारी क्वेरीज रहती हैं कि सर कैसे करना है लेकिन हाँ ऑब्वियसली फिर उनकी बहुत हेल्प होती है और जो बच्चे हमसे घर पे आके मिल के गए हैं वो समझ लो एकदम लेवल बाद में क्योंकि उनको उस चीज़ का मतलब ऑब्वियसली फिर उस समय वो बहुत सीरियस रहते हैं अपने क्वेश्चन को लेकर है ना तभी वो इतना आ भी पाते हैं वरना लोग इतना सीरियस नहीं रहते हैं तो उनको, उनको, उनको हमने बहुत अच्छे से फिर गाइड भी किया और जो चीज़ें बताइं उन्होंने फॉलो भी करी तो या तो बहुत परेशान लोग एकदम कि पेपर नहीं निकल रहा तो कुछ अब अब तो मिलना ही पड़ेगा और कुछ लोग ऐसे आते हैं जो पेपर निकाल चुके होते हैं है ना तो मोस्टली लोग ऐसे आते हैं हमारे पास या तो एकदम भूले भटके रहते हैं या एकदम सेट हो जाते हैं दो प्रकार के लोग जनली हमसे मिलने आते हैं हाँ भाई तो आर निकला कि नहीं निकला तो तुम लोग मिलने आ सकते हो कोई दिक्कत नहीं है हम चाहेंगे कि तुम लोग तब मिलने आओ जब तुम लोग सेट हो जाओ ठीक है बाकी क्योंकि इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं जब तुम तैयारी कर रहे हो अभी तो हमारे पास वैसे ही इतना सारा लोड है कि ना थोड़ा फ्री हो जाओ तब तुम लोग आराम से बैठो है कि नहीं फिर बैठो मिलो पिज्जा विज़ा खाया जाए तुमको हम पार्टी दें इंटरव्यू लें तब ज़्यादा मजा आएगा है कि नहीं तुमको यूट्यूब पे स्टार बनाया जाए हाँ वन पॉइंट सिक्स टू देखें जरा वन पॉइंट लगभग लगभग चलो सही है लगभग लगभग सब सही है आगे आ जाओ एरिया निकालो एरिया जल्दी एरिया कमेंट चाहिए बताओ एक कमेंट आते हैं हम तुरंत आंसर दिखाएंगे यहाँ पे एरिया निकालो एरिया हो जाएगा डिस्चार्ज वन डिस्चार्ज कितना है पैंतीस ये वेलोसिटी हमारी आई है पॉइंट सेवन सिक्स सिक्स ये तो डिवाइड ही लोगे यार है ना पॉइंट फोर फाइव अपना आ जाएगा फोर्टी फाइव पॉइंट सिक्स नाइन टू सॉरी पेरीमीटर आ जाएगा तुम्हारा पेरीमीटर कितना आ रहा है फोर पॉइंट सेवन फाइव रूट थर्टी फाइव ये भी बहुत आसान है कोई इतना सस्पेंस वाला आंसर नहीं है ट्वेंटी एट पॉइंट वन सही है और बेड स्लोप निकालो बेट स्लो बताओ कितनी आ रही है यार बेट स्लो निकालो ये फॉर्मला रखो थोड़ा टफ है एफ की पावर फाइव बाई थ्री अपॉन तैंतीस चालीस क्यू की पावर वन बाई सिक्स हमारे साथ ऐसा है कि हम कोई भी कोड या कुछ भी नंबर हिंदी में याद करते हैं जल्दी याद हो जाता है हमें है ना जैसे हमको याद आ जाता है कि आई एस दस दो सौ बासठ तुरंत याद आता है याद आता है ना एक कैनाल मेंटेनेंस का कोड है अड़तालीस उनतालीस फोर एट थ्री नाइन तुरंत याद आता है इस तरह से मतलब थोड़ा हिंदी साउंड थोड़ी ज़्यादा जल्दी याद होती है हमें ऐसा हमारे साथ है पता नहीं तुम लोग के साथ है कि नहीं हाँ तो तुम लोग का ये बेट्स लो देखो गौरव कुमार झा बिल्कुल सही बता रहे हैं लेकिन ये बताओ वन इन क्या होगा वन अपॉन क्या अगर यही वैल्यू को हम वन अपॉन एक्स करके लिखें तो वन अपॉन क्या होगा बता सकते हो क्योंकि बैड स्लोप जनली वन अपॉन समथिंग बताई जाती है ना तो वन अपॉन क्या लिखें कि ये आ जाए वन अपॉन क्या लिखें कि ये आ जाए बताओ जरा वन अपॉन क्या लिखा जाए कि ये आ जाए हम टेंट रन करने जा रहे हैं टेंट रन करेंगे जल्दी बताओ शिव सिंह कह रहे हैं बहत्तर सौ तुम देख लिए थे ना तुम देखे थे ना सही बताओ देखे हो कि नहीं वन पॉइंट बहत्तर सौ आ रहा है सही है अच्छा अब बारी है देखिए सर बैठ सलो बैठ सलो सर आपकी आगे अब बचा है बी और डी तो देखिए पे तरीका अपने पास क्या है कि अब हम तुमको बता रहे हैं देखो एरिया तुम्हारा क्या है फोर्टी तो बी हमारा हमको पता करना है एस आपका पॉइंट है b प्लस एस डी इंटू डी और दूसरा आपका पैरीमीटर है तो ये जो अट्ठाईस पॉइंट वन जीरो इज इक्वल टू बी प्लस टू डी अंडर वन प्लस एस स्क्वायर अंडर वुड वन प्लस पॉइंट फाइव का स्क्वायर रखेंगे यहाँ पर ठीक है क्लियर है यहाँ से बी किलो निकाल लो बी किलो सर क्या हो जाएगी 28.10 पॉइंट वन ज़ीरो हमने पेरीमीटर और एरिया का फॉर्मूला सिर्फ लिख दिया सुन लो ध्यान से ज़रा अट्ठाईस पॉइंट वन जीरो माइनस टू इंटू ये पूरा कुछ करोगे है ना तो ये टू पॉइंट टू थ्री सिक्स तुम्हारा शायद आ जाएगा एक सैंड को वन प्लस पॉइंट टू फाइव हाँ टू पॉइंट टू थ्री सिक्स आ जाएगा लगभग लगभग कुछ डी तो बी की वैल्यू यहाँ से निकाली और इस बी की वैल्यू को उठा के यहाँ रख दिया एक बी की वैल्यू ने पेमीटर से निकाल के यहाँ रख दिया अब जब यहाँ रख दोगे पूरा डी में आ जाएगा तो एक क्वाड्रेटिक बन जाएगी डी में एक क्वारिटिक बनेगी और हम डी की अब दो रूट आएंगे हम एक आएगी पॉजिटिव वैल्यू एक नेगेटिव नेगेटिव आएगी तो उसको इग्नोर मार दो या डी के लोग अगर बहुत बड़ी वैल्यू आई है पंद्रह सोलह दस पंद्रह जो भी है उसको इनो मारो डी के हम लोग स्मॉलर पॉजिटिव वैल्यू लेंगे ठीक है तो इस तरीके से हम सैमेंटेनियस सॉल्व कर देंगे इस तरीके से हम लोग साइमेंटिन सॉल्व कर देंगे नहीं तो अगर हम चाहते हैं डायरेक्टली निकालना तो हम ये लगा देंगे तो यहाँ से टत निकालो डायरेक्टली या तो सैमलेनियस सॉल्व कर लो इक्वेशन में आराम के ठीक है पेरीमीटर वाले से बी की वैल्यू निकालो और उस बी को उठा के वहाँ रख दो डी की क्वालिटी बनेगी तब तुम निकाल लो एक तरीका दोनों तुम कर सकते हो इंपॉर्टेंट यहाँ टाइम दे रहे हैं इसलिए चलो ये लगाओ फॉमला डेप्थ निकालो यहाँ से देखें मैच हो रही कि नहीं पैरीमीटर कितना है अट्ठाईस पॉइंट वन जीरो रखो फिर अट्ठाइस पॉइंट वन जीरो को होल स्क्वायर सिक्स पॉइंट नाइन फोर एरिया कितना आया था फोर्टी फाइव एरिया कितना है फोर्टी फाइव पॉइंट सिक्स नाइन टू रखो जरा डेप्थ बताओ तो तो कितनी आ रही है डेप्थ बताओ तो तो कितनी आ रही है hmm. अच्छा बेड स्लोप गलत देखा रखिए पावर माइनस फोर आएगा अच्छा टेन पावर माइनस फोर होगा देखें जरा एक सेकेंड अच्छा ये माइनस सिक्स लिख रखा है ठीक है कभी कभी नींद आ जाती है हमें है ना ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है आम बात है है कि नहीं आम बात है कभी किसी को हमने पढ़ाया है समझ लो उसका क्या हुआ होगा <laughs> तो बेचारा वो माइनस सिक्स लिख दिया होगा ठीक है चलो हम फिलहाल ये कह रहे हैं डेप्थ निकालो जरा सब तुम खुद निकालना सीख लो बात खत्म हो जाए डेप्थ कितनी आ रही है कोई बताएगा हमको सर पेट्रोलियम ब्रांच के लिए क्या करें पेट्रोलियम ब्रांच के लिए बेटा बस ट्वेल्थ के बाद फॉर्म भर दो और एडमिशन ले लो बढ़िया तैयारी पढ़ाई करो उसमें क्या है, है कि नहीं इसमें कौन सा बड़ा काम है पेट्रोलियम का एक वो कौन सा कॉलेज है यार देहरादून तो में यूपीएस बहुत अच्छा कॉलेज तो है वहाँ तो बढ़िया से एडमिशन हो जाता है वहाँ एडमिशन लो बढ़िया से पेट्रोल की मज़े लो है कि नहीं अच्छा कहीं ये तो नहीं पूछ रहे कि यहाँ कोचिंग कब से चलेगी पेट्रोल की अरे पेट्रोलियम ब्रांच है वैसे इतने कम बच्चे हैं अब दस हज़ार लोगों में फर्स्ट रैंक लाना बहुत आसान है यहाँ डेढ़ लाख होते हैं और दिक्कत हो जाती है पेट्रोलियम ब्रांच में कॉम्पटिशन ही इतना कम है तो कोई दिक्कत ही नहीं है है कि नहीं पाँच हजार दस हज़ार लोग अगर पेपर दे रहे हैं तब तो कंपटीशन कम है अगर कोचिंग नहीं आ रही देखो पेट्रोलियम ब्रांच है तो हम तुमको बता रहे हैं कुछ मत करो जिस भी सेमेस्टर में हो वहाँ से अपना पढ़ना शुरू करो सीरियसली पढ़ो रोज़ पढ़ो रोज़ बढ़िया से नोट्स बनाते रहो काम अपने आप हो जाएगा इतना कुछ है ही नहीं उसमें उतनी मेहनत बच्चा अगर सिविल में और मैकेनिकल में करता है तो वो सिर्फ रैंक ला पाएगा और पेट्रोलियम वाला टॉप कर जाएगा हाँ तो डेप्थ कितनी आई बताओगे कि नहीं डेप्थ आ रही वन पॉइंट एट फाइव रखने में इतना टाइम लग गया यहाँ पैरीमीटर एरिया रखने में इतना टाइम लग जा रहा है देखिए मैच हुआ कि नहीं हुआ क्या डेप्थ निकाले तुम लोग हैं वन पॉइंट एट थ्री फोर आ रहा है तुम लोग बता रहे हो वन पॉइंट एट फाइव हाँ तो एट फाइव चलो ठीक है कैनाल के क्वेश्चंस गेट कैलकुलेटर में डायरेक्टली सॉल्व नहीं हो रहे हैं अच्छा ऐसे कैसे नहीं हो रहे हैं यार कैलकुलेटर सही से चलाना सीखो कैलकुलेटर सही से चलाना सीखो तो सब कुछ सॉल्व हो जाएगा ठीक है वरना गेट में अगर मान लो कुछ बहुत अच्छी चीज़ आ रही है हाई लेवल की तो वो गेट में नहीं आएगी वो लोग ऐसा देते ही नहीं कि सॉल्व ना हो पाए मेनली वो तुम्हारे लॉजिक ज़्यादा चेक करते हैं समझ रहे हो लॉजिक पे उनका ज़्यादा ध्यान रहता है ठीक है फिर हमारी डेप्थ आ गई तो हम इस डेप्थ को यहाँ पुट करेंगे पैरीमीटर यहाँ रखा हमने रख दिया आंसर निकल गया ट्वेंटी फोर तो ये विर्थ आ गई सर ये डायरेक्ट है बिना क्वालिटी के क्वालिटिक से ही मतलब ये ड्राइव हुए फॉर्मूला ऐसा कुछ नया नहीं है इसमें ठीक है क्वालिटी वाली से ही थोड़ा आसान कर दिया गया बस तो विथ्थ आपकी 24 आ गई डेप्थ आपने वन पॉइंट एट फोर बेड स्लोप आपने निकाली तो ये हमारी फाइनल एज्यूम कंडीशन है फाइनल एजीम कंडीशन में जब कैनाल आपका आएगा तो ये ये शेप ले लेगा अल्टीमेटली ठीक है और ये शेप अगर आप पहले से प्रोवाइड करके रखेंगे यही शेप अगर आप पहले से प्रोवाइड करके रखेंगे तो बहुत ही अच्छी बात है ठीक है तो ये हमारा हो गया लेसी थ्योरी का क्वेश्चन बहुत सिंपल एकदम आसान कौन सा क्वेश्चन कैनाल का नहीं हो पा रहा है डायरेक्टली ऐसा कौन सा क्वेश्चन है नहीं सबको तो जितना हमने आज पढ़ा है सब कुछ कैलकुलेटर में हो जाएगा आराम से लेसी के ड्रॉबैक देखो जरा लेसी का ड्रॉबैक ये है कि बहुत फार्मूला बहुत दे दिया है ये हाईली एम्पेरिकल हर चीज़ का तो फॉर्मूला बता के गया है ये है बहुत एम्पेरिकल है और दूसरी चीज़ उसके बाद यहाँ पे बोला गया है कि एफ़ की जो वैल्यू है जो हमारा सिल्ट फैक्टर है जिसको आप बोल रहे हैं सर ऐसा हो सकता है कि क्या पता बेड पे एफ़ की वैल्यू अलग आए साइड स्लोप पे वैल्यू अलग आए अलग अलग जगह अलग अल आएगी है ना मिट्टी के पार्टिकल अलग अलग साइज के हैं तब तो एफ़ की वैल्यू वेरिएबल होनी चाहिए सर है ना तो इस बारे में कोई बात नहीं हुई साइलेंट है ये लोग तो एक देखो एक हो गया कि देयर कैन बी डिफरेंट वैल्यू ऑफ एफ देयर कैन बी डिफरेंट वैल्यू ऑफ और दूसरा हाईली एम्पेरिकल बहुत इक्विजन देखे गए हैं हर चीज़ का तो इक्विजन देख गए हैं है? उसके बाद एक बात तो सर आपने हमको बताई थी कि चैनल आपका सेमी लिप्टिकल है सर आप तो सर क्वेश्चन के अंदर ट्रेपजॉर्ड फॉर्म में लगवा दिए हैं आप तो बी और डी और एस बता दिए हैं ट्रेपजॉर्ड बना दिए सेमी लिप्टिकल कहाँ है तो ये हमसे मत पूछो लेसी से पूछो ये ये तुमको हमसे नहीं पूछना है आप है कि नहीं उनके खोपड़ी खाओ जाए यही तो हम भी उनसे पूछ रहे हैं तब से कि आप बता के कहें सेमिलिटिकल है लेकिन आपकी इक्वेजन में कहीं सेमोलिटिकल कोई जिक्री नहीं है इक्वेजन से कहीं पता नहीं चल रहा है ठीक है तो ये देखो यहीं लिखा है कि लेसी ने बोला कि ट्रू या फाइनल एजी आपका अल्टीमेटली सेमीलिटिकल सेक्शन होता है लेकिन सेम बात किसी भी इक्वेजन से सपोर्ट नहीं की गई है तो ड्रॉबैक है ये ठीक है सिल्ड चार्ज सिल्ड ग्रेड के बारे में कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं दी गई है हाँ ये ऑब्वियसली बात है कि एम से तो अच्छा ही है इन्होंने उन्होंने कैनेडियन एम बताया था इन्होंने कम से कम एफ़ के बारे में थोड़ा आइडिया डी का फॉर्मला तो दिया कम से कम है ना लेकिन बहुत प्रॉपरली सिल्ड ग्रेड और सिल्ड चार्ज क्या है इसके बारे में बताया सीधे बोला सिल्ड ग्रेड सिल्ड चार्ज कॉन्स्टेंट ऐसे क्या थोड़ा और बताना चाहिए था उसके अंदर ठीक है तो ये सब चीज़ें हैं उसके बाद लेसी की इक्विजन से जो डायमेंशन निकलती हैं बी डी और एस की जो हम लोगों ने अभी निकाली और एक्चुअल में, में जो डायमेंशन है चैनल की एक्चुअल में जो स्टेबल चैनल्स की डायमेंशन है वो काफ़ी अलग अलग आ जाती हैं एक्चुअल डायमेंशनस किसी स्टेबल चैनल की काफ़ी डिफरेंट आती हैं जो इनके फॉर्मूले से आती हैं इन्होंने एक जगह काम किया वहाँ तो बढ़िया सेट हो गया मामला है जहाँ पे इन्होंने काम किया वहाँ तो सर मामला बढ़िया आ रहा था उसमें तो उन्होंने हर बार पानी छोड़ छोड़ के देखा तो हर बार सेम टाइप का शेप मिल रहा है वही चीज़ दूसरी जगह नहीं एग्जैक्टली exactly इम्प्लीमेंट हो पा रही है तो काफ़ी वेरी आता है तभी आज भी तुमको बताएं हमेशा डिज़ाइन तुम्हारा कैनेडी थ्योरी से होता है मोस्टली पॉपुलरली पॉपुलर है कैनेडी थ्योरी आज भी समझ रहे हो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का भी स्टार्ट होगा बेटा वो क्या नाम है विशाल सर पढ़ा रहे हैं ठीक है विशाल सर जो है इंजीनियरिंग मैथ्स पढ़ा रहे हैं तुम लोग को ठीक है हाँ तो लेसी इक्वेशन जो है हाईली एम्पेरिकल हैं और एक्चुअल डायमेंशन बहुत वेरी कर रहे हैं सेमिलिटिकल इन्होंने बताया तो लेकिन इक्विजन में तो कुछ ट्रेपोथडी कर दिए चले गए हैं सिल्ड चार सिल्ड ग्रेड का कुछ अतः पता नहीं चल रहा है और एफ़ की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज हो सकती हैं ठीक है और इन्होंने जो बताया ट्रू रेजिम जो कि हाइपोथेटिकल है थियोरिटिकल है एक्चुअल में तो अचीव ही नहीं हो पाएंगी ट्रू रेजिम कंडीशन बता के गए बहुत हवाबाजी करके गए कुछ मिला के है कि नहीं और रेजिम चैनल की कंडीशन एक्चुअलिटी में हो ही नहीं पा रही हैं बहुत प्रिसाइसली इन्होंने डिफाइन नहीं कर रखा है ठीक है कैनेडी और लेसी में अगर फर्क समझने की कोशिश करो तो कैनेडी में देखो इनकी थ्योरी जो है क्रिटिकल लॉस के ऊपर चल रही है इनकी चल रही यूनिफॉर्म मतलब वही बी डी एस कॉन्सटेंट यूनिफॉर्म फ्लो था ना डेप्थ कॉन्सटेंट जो बताई थी हमने तो इसमें ट्रेपेटोल शेप माना इन्होंने कैनेडी ने इन्होंने सेमिलिप्टिकल माना इन्होंने बोला कि जो सिल्ट सपोर्ट हो रही है सस्पेंशन में है वो इसलिए हो रही है क्योंकि बॉटम से एडी जनरेट होते हैं बॉटम से लेकिन लेसी बोले कि भाई बॉटम से ही क्यों ऐसा क्यों साइड से भी तो हो सकता है तो इन्होंने बोला कि भाई नहीं ऐसा नहीं है बॉटम नहीं पूरे साइड से जो एडी जनरेट होंगी पानी रगड़ेगा तो पूरे साइड में तो जहाँ से रगड़ेगा फ्रिक्शन आएगा जहाँ वहाँ ट्रिपलन जनरेट होगी और एडीज़ पूरे पेरीमीटर से जनरेट होंगी एडीज़ आर जनरेटेड थ्रू आउट द पेरीमीटर जिसके से हमारी सिल्ड सपोर्ट होती है तुम बताओ इसमें इन दोनों में से ज़्यादा अच्छा कौन सा लग रहा तुम्हें तुम्हें ज़्यादा अच्छा कौन सा लग रहा है कैनेडी की बात सही लग रही है लेसी की बात सही लग रही है देखो सुनने समझने में तो लेसी ज्यादा बढ़िया है लगते हैं हो सुनने समझने में लेसी बहुत बढ़िया लग रहे हैं है ना हम्म। सुनने समझने में लेसी जो है बढ़िया लग रहे हैं एक्चुअल से लेकिन बहुत दूर है और तुम लोग निंदा कर दिए थे कैनेडी की हैं कैनेडी की निंदा तुम लोग अलग से कर दिए हो उसके बाद इन्होंने पता नहीं कटर की कहाँ से कटर को चुन लिए इन्होंने कटर इक्विजन यूज करी अपनी वेलोसिटी खुद की इक्विजन नहीं है इन्होंने अपनी वेलोसिटी खुद की इक्विजन दी ये हम बताते तुमको वेलोसिटी इक्विजन कटर कौन है होंगे कोई <laughs> इन्होंने बेट स्लो की कोई नहीं दी इन्होंने बेट स्लो की इक्विजन दी वही अभी लगाए हैं एफ की पावर फाइव बाई थ्री अपऑन तैंतीस चालीस की, की स्लोप फिर ये ट्रायलर सर यही वो चीज़ है जो हमको पसंद नहीं आई बहुत जिसके से हमने बहुत निंदा करी इनकी कड़े शब्दों में निंदा करी हम लोग ने हैं ये सर डायरेक्ट प्रोसीजर है आपका ये मजेदार था और ये क्रिटिकल लॉस थी और वो यूनिफॉर्म फ्लो कौन तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं जो तुमको मोटे मोटे पता रहने चाहिए ठीक है <laughs> कमेंट तुमने लिखा कूड़ा इज बेटर हुँ? सही है चलो जो भी है एक्चुअल के नजदीक लेकिन वही है, है ना ज्यादातर केसेस में अब ये अननाइट के खत्म हो गया चैप्टर यहीं तक इंपॉर्टेंट है इसके आगे तुम्हें गेट में ज़्यादा मिलेगा नहीं तब भी थोड़ा सा मोवर भी दे दे रहे हैं फिर क्लास को खत्म करते हैं ठीक है अब लाइनिंग करते हैं कैनाल की ठीक है थोड़ा तो सुन लो कहानी लाइनिंग क्यों करते हैं यार तो ऑब्वियस सी बात है कि जो हमारा सिंचाई का पा आ, पानी है वो बहुत महंगा है महंगा इसलिए क्योंकि कितनी कैनाल बनानी पड़ रही है इतने सारे ऑफिसर हैं घूम रहे हैं बढ़िया है ना यूपी की अगर हम बात बताएं तो यूपी का जो एरिया है लगभग मान लो 210 लाख हेक्टेयर ठीक है दो सौ दस लाख हेक्टेयर है हाँ दो सौ दस लाख हेक्टेयर ही है सही है यूपी का पूरा एरिया है इसमें लगभग एक सौ अट्ठावन लाख हेक्टेयर जो एरिया है वहाँ पे सिंचाई हो रही है उसमें से जो कैनाल इरिगेशन सिस्टम है वो पानी पहुँचाता लग है लगभग तेईस परसेंट मतलब फोर्टी लाख हेक्टेयर एरिया में कैनाल सिस्टम का पानी पहुँचता है बाकी एरिया ट्यूबवेल और ग्राउंड वाटर का पानी यूज़ करते हैं वो लोग सब लोग जनरली आजकल तुमने देखा होगा खेतों में ट्यूबवेल बहुत लगा रहता है लेकिन कैनाल सिस्टम का भी पानी यूपी की अगर हम बात करें तो लगभग ट्वेंटी फोर परसेंट एरिया जो इरीगेट हो रहा है वो कैनाल सिस्टम से इरीगेट हो रहा है ठीक है तो इतना बड़ा सिस्टम है इतना बड़ा सिस्टम है ठीक है तो सोचो इरिगेशन वाटर में इतना सारा कैनाल बना इतना पैसा लगाया गया तो ऑब्वियसली पानी महंगा है सर और वो पानी अगर सीपेज में बह जा रहा है तो गलत बात है तो उसकी लाइनिंग करके हम सीपेज को रोक सकते हैं लाइनिंग हम लोग चाहे हार्ड सरफेस चाहे सीमेंट की शॉर्टक्रिट मतलब प्लास्टर कर दें जो कैनाल के साइड में प्लास्टर कर दें सीमेंट कॉन्क्रीट लगा दें एसफाल्टिक मतलब वो जो ब्यूटमिन आता है वो लगा दें पत्थर लगा दें बोल्डर है ना ईंट लगा सकते हैं तो इन सबसे एक हार्ड लाइनिंग मिलेगी जिससे पानी का सीपेज नहीं होगा ठीक है पानी का सीपेज नहीं होगा लेकिन हाँ एक बात है लाइनिंग कहीं से टूट टाट गई तब तो पानी बहुत तेजी से अंदर जाता है तब तो समझो कि बहुत तेज मतलब तब तो ये मान के चलो कि अनलाइंड कनाल से ज़्यादा उसमें वो हो जाएगा क्या नाम है सीपेज है ना लाइनिंग सही है तब तो बहुत बढ़िया तब तो तुम्हारा सीपेज लॉस एकदम बहुत नीचे आ जाएगा सीपेज वीपेज फिर होता ही नहीं है तो हार्ड सर्फेस लाइनिंग में हमारा ये सारी चीज़ें हो गई सॉफ्ट सर्फेस लाइनिंग में क्या होती है हमारी मिट्टी को ही कॉम्पैक्ट करके क्ले होती है क्ले इम्परवेल होती है उसको बहुत पीट के कॉम्पैक्ट करके लगा देते हैं सॉयल सीमेंट है सोडियम कार्बोनेट तो ये सब चीज़ें हम लोग यूज़ कर सकते हैं जिससे हमारा पानी वेस्ट ना हो ठीक है तो मेनली हम लोग लाइनिंग क्यों करते हैं ताकि सीपेज के लॉसेज ना हो अब जब सीपेज लॉस नहीं होगा तो हम लोग छोटा क्रॉस सेक्शन बना सकते हैं अब वही छोटा क्रॉस सेक्शन कैनाल का ज़्यादा तेज़ी से पानी को ले जा सकता है और बहुत दूर तक ले जा सकता है ज़्यादा स्पीड में ठीक है तो कैनल की कैपेसिटी बढ़ जाती है उसकी मेंटेनेंस हम लोग को बार बार नहीं करनी पड़ती है ठीक है क्योंकि उसमें जो झाड़ वगैरह है या वीड्स वगैरह वो ग्रो नहीं करती हैं इतना ठीक है वाटर प्लांट्स नहीं आते ज़्यादा तो मेंटेनेंस चार्जेस वगैरह कम हो जाती हैं अब स्मॉलर क्रॉस सेक्शन में ज़्यादा मजा आने लगता है तो बहुत बढ़िया है फ्लो ऑफ़ रेजिस्टेंस कम होती है कैनाली कैपेसिटी बढ़ती है बढ़िया रहता है ठीक है लेकिन हम बनाएंगे कब उसे उसे हम तभी बनाते हैं जब उसमें बेनिफिट ज़्यादा हो और लागत कम लगे अब बेनिफिट्स कौन कौन से होते हैं सर दो बेनिफिट होते हैं एक तो पहला जो पानी बचता है बहुत सारा सीपेज में उसकी कुछ कॉस्ट होती है और दूसरा हम में हम मैंटेनेस नहीं करनी पड़ती है तो मेंटेनेंस नहीं करनी पड़ती तो उसमें पैसा बचता है तो एक तो पानी जो बचा उसकी पैसा और जो मेंटेनेंस बचा वो पैसा ये तो टोटल बेनिफिट हो जाता है और जो लागत लगती है ऑब्वियसली हमको कैनाल बनाने में बहुत सारी लागत लगेगी लाइनिंग करने में तो वो कॉस्ट हो गई और उस पर जो इंटरेस्ट मिलता ब्याज अब वही पचास करोड़ अगर बैंक में रखते हैं ब्याज मिलता कि नहीं मिलता तो वो ब्याज दोनों पैसा हमने जोड़ा पर ईयर का और हमने देखा कि बेनिफिट ज़्यादा होना चाहिए कॉस्ट कम होनी चाहिए बेनिफिट अगर ज़्यादा है कॉस्ट से रेशियो वन से बड़ा है तो हम लोग लाइनिंग को कर सकते हैं ठीक है बेनिफिट ज़्यादा होना चाहिए किसी प्रोजेक्ट के पहले ठीक है बीवाई सी रेशियो वन से ज़्यादा होना चाहिए तो करेंगे ठीक है तो ये लाइनिंग का एक बेनिफिट बाय कॉस्ट रेशियो का कैलकुलेशन है ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है सर गेट नहीं आएगा तो इसको हम लोग स्किप कर रहे हैं ठीक है तो बस इसके साथ हम लोग का जो है ये समाप्त हो गया बाकी तुमको क्वेश्चंस वगैरह हमने करा कराए दें सब बढ़िया से ठीक है क्वेश्चन वगैरह कुछ तुमको हमने कराई दिए बाकी ये कुछ है टाइप ऑफ लाइनिंग अलग अलग लाइनिंग में इतनी इतनी वेलोसिटी होनी चाहिए इससे ज़्यादा वेलोसिटी रखेंगे तो ये लाइनिंग भी दिक्कत में आ जाएंगी ठीक है बोल्ड रहे तो ये होगा ये होगा तो बस इस तरह की चीज़ें हैं जो हम लोग ने यहाँ पर सब पढ़ ली हैं तो आई होप कि सभी लोग को बढ़िया तरीके से यहाँ पर सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी ठीक है तो मेनली तुमने ये समझा इसके अंदर एक सेकंड रुको जरा हाँ मेनली इस चैप्टर के अंदर हम लोग क्लासिफिकेशन क्रॉस सेक्शन मैकेज सीम ट्रांसपोर्ट स्टेबल चैनल्स की थ्योरी क्या है वही जो आर आर निकाला था हम लोग ने कैनेडी लेसी लैंड कैनल ये सब लोगों ने समझा ठीक है डिजाइन ऑफ लैंड इंपॉर्टेंट नहीं छोड़ सकते तुम लोग तो कैनेडी लेसी बस अच्छे से रिवाइज कर लेना और एग्जाम दे देना अपना सारा काम हो जाएगा यहाँ तक पढ़ लेना ठीक है कल मिलते हैं हम लोग कल एक नया चैप्टर शुरू करेंगे जिसके अंदर हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर्स हैं वी आर बैराज के बारे में समझेंगे कैनाल डाइवर्जन हेडवर्क समझेंगे बड़ी जबरदस्त चैप्टर मजा आएगा एकदम ठीक है तो चलो कल मिलेंगे सभी को थैंक यू एवरी बाकी कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हो सर ये प्लीज़ नोट्स टेलीग्राम में भी चलो ठीक है कोशिश करते हैं और ठीक है हम्म चलो ठीक है गुड नाइट एवरीवन ठीक है टिप तुमको कल देंगे ठीक है अभी कल तुमको बहुत लंबी टिप दे दिए ना टिप जो थोड़ा ऑल्टरनेट डेली है करो थोड़ा उसका मज़ा बरकरार रहना है ना चलो भाई टेक केयर एवरीवन गुड नाइट बढ़िया सो जाओ क्वेश्चन वेचन लगा लेना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो गेट के हैं उसको एक बार लगा लो ई के हो पाए तो वो भी लगा लो ठीक है चलो टेक केयर गुड नाइट सो जाओ भाई नहीं सो मत जाओ रिवाइज करो पढ़ाई करो <laughs> चलो भाई टेक केयर